स्टार्ट. सो क्वेश्चन वन था ऑफ बजटिंग बोरिंग, सबसे ज्यादा आप करो. क्वेश्चन था ऑफ बजट बोरोइंग, उसमें कंसिडर द फॉलोइंग, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट था। तो सबने क्या मार्क किया? मैंने बॉम्बे मार्क किया था इसमें. मैंने भी बॉम्बे किया। मैंने आगरा किया था इसमें. हाँ तो नहीं, मैंने आंसर है एक उसका, हाँ इसका आंसर बॉम्बे ही है। हाँ तो कोई बता सकता है कैसे एलिमिनेट किया जिसका आंसर सही है? बजट बोरिंग वही होती है ना, मतलब पीएसयू, मतलब मैंने एफसीआई को ले लिया था, तो एफसीआई बोरो करती है, फिर वो फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं किया जाता उसको, और जो भी वो फिर वो बजट में उसका फिर उसके क्या कैसे पे करेंगे या वाट एवर वो मेंशन होता है. हाँ मतलब ऑफ बजट बोरिंग वो है जो फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता। मतलब जब जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए तो मतलब उसको कम दिखाने के लिए, मतलब कई जगह ऐसा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हम ये ऑफ बजट बोरिंग लेते हैं। तो उसका ये पार्ट मतलब यही कैच था और वही क्वेश्चन में डायरेक्ट आया कि वो फिस्कल डेफिसिट में गिना नहीं जाता, लेकिन उसका रीपेमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट से जाता है। तो इसलिए ऑप्शन टू एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 एंड 3 आंसर आएगा। आई थिंक लास्ट ईयर बजट में निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि अभी हम ऑफ बजटरी बोरोइंग नहीं करेंगे, शायद उस वजह से फिर हाँ न्यूज़ में रहा हाँ था ये. मेरे को थर्ड वाले में कंफ्यूजन था कि लाइक ये चीज गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में अगर दिखेगा तो हाँ फिर डायरेक्टली बजट में भी पता लगेगा ना ये चीज, थर्ड वाले हाँ स्टेटमेंट मेरे में. को ही उसी में कंफ्यूजन था लेकिन वही तो उसका क्रिटिकल पॉइंट था कि ये उल्टा है उसका। मतलब पैसा वो पीएसयू बोरो करता है लेकिन बाद में रिपे करना होता है तो वो गवर्नमेंट करता तो फिर गवर्नमेंट रिपे कर रहा है तो फिर यार वो डेफिसिट में दिखेगा ना कहीं ना कहीं। मतलब आप बजट में है तो लेकिन मेंशन नहीं, कर, हाँ नहीं दिखता, इसलिए उसका नाम ही है ऑफ बजट बोरोइंग। मतलब बोरो कर रहे हो बजट लेकिन दे उन बजट रहे हो, उस टाइप का सीन है ना। मतलब वो गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही, वो पहला स्टेटमेंट है ना उसमें लिखा है कि वो पीएसयू बोरो कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। भाई तो ये देख लेना कि यूनियन बजट में तो नहीं होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट रहता है उसमें वो चीज प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट पे करना रहता है. ठीक है, नेक्स्ट के चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. हाँ क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इसमें क्या मार्क किया सबने? इसमें आगरा, मैंने आगरा मार्क किया था. ये थर्ड स्टेटमेंट था ना, इसमें लिखा था कि कंपलसरी इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ये पॉसिबल ही नहीं. वैसे प्रैक्टिकली हाँ मतलब उतना हाँ मैंने इसको इस सेंस में एलिमिनेट किया. ये लिख रहा है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, तो हम जनरली पढ़ते हैं या तो फिर जुडिशियरी होगा या फिर एग्जीक्यूटिव का काम होगा. दोनों को एक साथ इंक्लूड करने का कहीं सेंस नहीं बनता कि जुडिशियल भी कर दे और एग्जीक्यूटिव भी कर दे, तो आई थिंक वहां पे सेंस नहीं बन रहा था. तो मैं थर्ड एलिमिनेट किया एंड थर्ड से सारे ही एलिमिनेट हो रहे, मतलब फिर एक ही बच हाँ रहा था. मैंने भी वही सोचा, दोनों एक जुडिशियल का बंदा और एग्जीक्यूटिव का बंदा दोनों एक साथ में कैसे आ सकता है? मतलब प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है। हाँ तो उसका आंसर है ए, 1 ओनली। हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है कि द पर्सन हु इज डाइंग एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज और हर डेथ। दूसरा है, दूसरा स्टेटमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 टू डज नॉट रिकॉग्नाइज द डाइंग डिक्लेरेशन वर्बली। ऐसा नहीं है, वो कोई से भी फॉर्म में हो, मतलब रिटर्न हो, वर्बल हो, कैसे भी हो, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्म चाहिए। तो फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज टू बी रिकॉर्डेड कंपल्सरी इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब वो कंपल्सरी नहीं है, मतलब वो एनीवन कैन रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन एज पर द लॉ।
यही था, किसी को कुछ ऐड करना हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरपोल नोटिस। तो इसमें क्या मार्क किया सबने? कैलकटा क्या नहीं है ये, कोचिंग वाले पूछते हैं। मैंने भी स्किप कर दिया। तो इसका आंसर है आगरा, वन ओनली। उसका डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं, वो नोटिस संजय सर नीचे वो दिया हुआ है सब, सारी नोटिस। तो और उसकी जो क्वेश्चन में पूछा है वो था पर्पल नोटिस, तो वो तो सही है कि मॉडस ऑपरेंडी जो वाला, मतलब उसमें ये कीवर्ड पर्पल नोटिस में, टू सीक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मॉडस ऑपरेंडी कि ये क्रिमिनल का ये मॉडस ऑपरेंडी है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट था रेड नोटिस के बारे में। रेड नोटिस वो टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, तो मतलब लोकेशन प्लस अरेस्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रेड नोटिस था। और हमारा लास्ट ऑप्शन था ब्लू नोटिस। तो ब्लू नोटिस वही है, टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। रेड में क्या था, लोकेशन प्लस अरेस्ट के लिए, और ब्लू में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। और जो थर्ड वाला ऑप्शन था वही, हाँ ब्लू। बाकी सारे देख लेते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया। ग्रीन में क्या चाहिए? ग्रीन में ग्रीन नोटिस टू प्रोवाइड वार्निंग्स एंड द इंटेलिजेंस अबाउट द पर्सन हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ग्रीन वाले में वार्निंग दिया जाता है। फिर आया इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये स्पेशल नोटिस है, ये इसका खास बात यही कि वो ग्रुप के लिए भी वो इश्यू हो सकती है और इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है। फिर आता है येलो नोटिस, वो कोई मिसिंग पर्सन के लिए है। फिर ब्लैक नोटिस, तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली तो उसके लिए। फिर ऑरेंज, वो भी वार्निंग के लिए। तो दो हो गई, ग्रीन एंड ऑरेंज, वो वार्निंग के लिए हो गए। ये तो पर्पल था मोडस ऑपरेंडी, यही था। ठीक है। तो जैसे इंटरपोल तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? एंड इंडिया से इसको कौन सी एजेंसी रिप्रेजेंट करती है? सीबीए। हाँ, करेक्ट। तो वो चीज बतानी चाहिए। और तो इतना ही था, बेसिक क्वेश्चन था। मतलब बेसिक इन द सेंस कि अगर आपको ये फैक्ट पता रहते तो पता आप कर होता पाते। तो हाँ, ही वही। अदरवाइज इसको वैसे पता करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताना था। सबने क्या मार्क किया? दिल्ली दिल्ली। हाँ, तो उसका आंसर दिल्ली ही है। ये शायद करंट अफेयर्स में सबने पढ़ा होगा। हाँ, तो कोई बता सकता है कैसे एलिमिनेट किया सब तीनों ऑप्शन? हाँ, तो पहले में दोनों होते हैं ना, इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है। ऑप्शन टू हाँ में मतलब कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं आता, फॉरेन बैंक का भी नहीं आता ना, इंटर बैंक भी नहीं आता, ये कुछ नहीं आता फालतू ये तो। और ये जो पीएसीएस होता है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी वाला, रूरल लेवल पे मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो इंक्लूड नहीं होता इसमें, बाकी दोनों होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। यस, मतलब यही था इसका आंसर। देख लेते ये मतलब जो डिपॉजिट को गारंटी करने के, गारंटी कोई स्कैम हो जाए किसी बैंक में तो उसको गारंटी देने के लिए स्कीम लाई गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है कि ये दोनों ही चीज देता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ है। और फिर सेकंड ऑप्शन था इट इंश्योर्स ऑल द डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत है। तो इसमें सॉल्यूशन में एक्सेप्शन दिए हुए है कि डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटर बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
Fifth, any amount due on account of deposit received outside India, any amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous approval of RBI. So, ये छह चीजें दी है, वो exemption है उसकी. अतो वैसे option two गलत हो गया. फिर थर्ड है ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो यही उसका एक्सेप्शन था कि नहीं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड नहीं करता, बाकी सारी सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स, लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वही, बाकी तो सारी बैंक रीजनल रूरल बैंक हो गई, फिर लोकल एरिया बैंक हो गई, कोई भी तो सबको इंक्लूड करता है एक्सक्लूडिंग ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. बस यही था, सारे के सारे गलत. अभी इसमें ऐड करके पांच, अभी जो अमेंडमेंट आया उसके थ्रू इंश्योर्ड अमाउंट जो है 5 लाख हो गया, पहले 1 लाख का. एंड इसमें जो इंश्योर्ड अमाउंट का टाइम पीरियड था कि कितने में मिलना चाहिए अगर इनकेस बैंक फेल हो जाता, तो वो 90 डेज रखा गया. और प्रीमियम है इसके अंदर वो जो इंश्योर जिस भी बैंक में जो भी बैंक है वो पे करेगा, ना कि कस्टमर, ठीक है. और नेक्स्ट इसमें जो इंश्योरेंस स्कीम है ये कंपलसरी है, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ अमाउंट इसके बैंक में देना पड़ेगा, ठीक है, कोई बैंक विड्रॉ नहीं कर सकता. ये था ऐड ऑन. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. मतलब ये ऐसा हुआ ना कि सारी बैंक को वो मानना ही पड़ेगा, मतलब ये स्कीम. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें क्या मार्क किया? ए. मैंने इसमें बॉम्बे मार्क किया था. बॉम्बे किया था, हाँ. तो इसका आंसर है ए. मैंने भी बॉम्बे मार्क किया था, बट यही कैसे था क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और मैंने ऐसा समझ लिया कि विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन मॉनसून पूछा है, तो उसी हिसाब से मैंने भी बॉम्बे लगाया था, लेकिन इसका आंसर है ए. वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट इफ यू गो तो मतलब कैसे भी रेनफॉल तो इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज नहीं होगा. आई थॉट इसमें ना कि इक्वेटोरियल से बीच में फिर वो हाई प्रेशर जोन भी आएंगे, लाइक जहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है, लाइक हॉर्स लैटिट्यूड पड़ते हैं ना हम लोग, तो वहां पे रेनफॉल नहीं होता है. तो इन दैट सेंस आई थॉट कि ऐसा स्टेडिली जाएंगे तो स्टेडिली डिक्रीज नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कहीं पे बीच में थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर बढ़ेगा, तो ज्यादा दिमाग लगा दिया बट देख लेना. मतलब ओवरऑल पूछा है कि ओवरऑल मतलब इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऐसा कर सकते हैं एलिमिनेट कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बारिश होगी ओवरऑल कंपेयर टू पोल एरियाज, उसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. और सेकंड ऑप्शन है द कोस्टल एरिया रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो यही है कि इंडियन मॉनसून के हिसाब से भी देखे तो वो वेस्टर्न घाट आ जाता है, तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न वाला एरिया वो ज्यादा मॉनसून रिसीव करेगा, वैसे भी कहीं से भी वो मतलब ओशन से आता है विंड, मतलब मॉनसून आता है तो ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज पे ज्यादा बारिश गिरेगी, तो उस हिसाब से 1 और 2 सही हो गया. वैसे ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना बिटवीन 35-40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये तो वेस्टर्ली वाला एरिया नहीं हो गया. अब मैंने इसका मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ करो. वेट भी कोई डायग्राम दिया नहीं है इसके लिए एग्जैक्टली. आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? सबको दिखाई दे रहा क्या?
हाँ विजिबल है, हाँ विजिबल है। हेलो। हाँ सर हाँ विजिबल सर है। विजिबल है। हाँ तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा था हमसे कि बिटवीन 35 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब 35 to 40 डिग्री नॉर्थ में पूछा था। तो ये नॉर्थ में तो ये हो गया, ये दिख रहा है 35 डिग्री नॉर्थ। हाँ तो वो हॉर्स लैटिट्यूड से ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया तो वहां पे वो वेस्टर्नली विंड्स आ जाएगी, ये रेड वाली दिख रही है वो। हाँ तो यहाँ से बारिश होगी, मतलब ये वेस्टर्न से बारिश होगी, तो थर्ड ऑप्शन वापिस पड़ेंगे। तो ये ऐसा आ गया कि वेस्टर्न कोस्ट टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट जाना है। हाँ तो ये सारी विंड्स वो वेस्ट से ईस्ट जा रही है। तो अब अगर यहाँ पे ले लें हम, तो ये विंड वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो ऑब्वियसली जाते जाते बारिश कॉन्टिनेंट में अंदर घुसेगी तो बारिश कम ही होती जाएगी। समझ आया? हेलो। तो यही चीज, यही हाँ चीज, हाँ यही चीज तो यही बोला चीज जा तो बोला जा रहा रहा है ना है। कि वेस्ट से वेस्ट से ईस्ट ईस्ट जाएंगे, बारिश कम बारिश होगा। कम होगा। तो फिर तो स्टेटमेंट सही हुआ ना थर्ड वाला। गलत दिया लग रहा है हाँ वही मेरे को लग एक्चुअली। रहा है। बोले हाँ वेस्टर्लीज कभी कांस्टेंट तो नहीं हो सकते ना, ITCZ चेंज होता रहता है। वी हैव टू ओनली सी द कॉन्टिनेंट्स ना, कि इन जनरल कैसे रहता है। लेकिन इन जनरल वेस्टर्लीज तो हम इसी रेंज में पढ़ते हैं ना, 35 to 40। मतलब जैसे इंडियन मॉनसून का देखा जाए तो, मतलब एक टाइम पे वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस रहता, मतलब क्या कहते हैं, आई गेट द पॉइंट कि हाँ वो ITCZ शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो ये एरिया हाँ ईस्टर्लीज में आ जाएगा। वो पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ लेकिन स्टिल वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ऐसा हमें हमेशा ट्रू नहीं होता ना। फिर मानसून कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, बाकी पीरियड ऑफ टाइम में तो हम 35 to 40 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर का, वो उसी चीज में पढ़ते हैं कि यहाँ पे रेंज जो है जनरली वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। बट ठीक है, अब देख लेना क्या है। शायद एक बार ये निकालते भी है ना सिमुलेटर का डिस्कशन। बोले हाँ एक और मतलब मैंने ये लॉजिक लगाया कि मतलब वेस्ट टू ईस्ट हम जाए कहीं पे भी, वेस्ट में तो हमको डेजर्ट्स मिलता है ना, और ईस्टर्न पार्ट्स में थोड़ा एवरग्रीन मिलता है हर कंट्री में। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मतलब दैट इज वन थिंग विच इज स्टैटिक। फिर अपने वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन भी है ना, पॉइंट। ये ठीक है एक लिमिट तक है, बट कोस्ट डेजर्ट होते हैं वेस्ट कोस्ट पे, बस ये जरूरी नहीं है ना कि हर जगह हाँ हो ना, दूसरा, की बात कर रहा हूँ ना। हाँ दूसरा उसका ना कारण थर्टी फाइव क्या डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ, वही स्पेसिफिक मतलब दिया भी है। था? हाँ और दूसरा क्या था, जैसे इन्होंने स्पेसिफिक डिग्री दे दिया, इन जनरल पूछा होता तो शायद हाँ मार्क कर सकते थे। दूसरा डेजर्ट वाला कारण एक ये भी रहता है कि उधर कोल्ड वाटर करंट होता है, ठीक है, तो वो कोल्ड वाटर करंट रेनफॉल के परस्पेक्टिव से उसको कर पाना थोड़ा सा शायद मुश्किल होता। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को मैं मार्क कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या मार्क किया? ये तो इजी था। इसमें तो बी हो गया। हाँ बॉम्बे। बी था। इसको डिस्कस करना है क्या? एक बार बस ब्रीफली देख लेते, हाँ ब्रीफली देख लेते हैं। मॉस्को, जस्ट सेकेंड। हाँ तो ये मॉस्को था, ठीक है, इतना ऊपर है। यूक्रेन की उससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने पूछा था, आई गेस क्या पूछा, अशकाबाद, ठीक अशगाबाद। है। हाँ तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, कल ही हम लोगों ने तुर्कमेनिस्तान डिस्कस किया था। एंड देन इस्लामाबाद लाहौर के पास पड़ता है, ठीक है, और लाहौर और ये अमृतसर आसपास पड़ता है, ठीक है, एंड न्यू दिल्ली यहाँ पे था, ठीक। तो ये ऑर्डर था ब्रीफली। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। हाँ हाँ
क्वेश्चन नंबर 7 था, द टर्म फटर्निटी प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द इंप्लिसिटली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें क्या मार्क किया? दिल्ली. दिल्ली. हाँ, ये तो आसान ही था, दिल्ली था इसका आंसर. सॉल्यूशन देख लेते हैं. फटर्निटी का तो मीनिंग सबको मालूम है कि ब्रदरहुड, ब्रदरहुड और यूनिटी मेंटेन करना. फिर भी एक बार अच्छे से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स द फटर्निटी हैज टू अश्योर टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ नेशन. तो यही था. तो ऑप्शन वन में है कि पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स में ये इम्प्लिसिटली डिस्क्राइब किया, जैसे कि आर्टिकल 17, तो बैन ऑन अनटचेबिलिटी. तो वो इसमें मतलब फटर्निटी का मीनिंग देखे तो द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. तो उस हिसाब से ये फंडामेंटल पार्ट थ्री में भी इंक्लूडेड है. तो ऑप्शन टू था. ऑप्शन टू में आर्टिकल 51 था, उसमें प्रमोट हार्मनी मतलब यूनिटी क्रिएट करना है. ऑप्शन थ्री में था कि सिक्स ड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. तो सिक्स शेड्यूल वाले ट्राइबल एरियाज उन्हीं को फंक्शन करने दिया जा रहा है ग्राम सभा के द्वारा. तो उस हिसाब से उनकी उनकी पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे. उस हिसाब से भी सी सही हो गया. और ऑप्शन डी था पार्ट फोर. तो उसमें भी है कि पार्ट फोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीपीएसपी. उसमें उसका एम ही यही है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब वेलफेयर स्टेट वाला कंसेप्ट आ गया है. तो इस हिसाब से सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए. और फिर उसमें ये मेन है आर्टिकल 44, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना. वही. अच्छा, फ्रेटर्निटी में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन मतलब कैसे आएगा? फ्रेटर्निटी ठीक है यार, इंडिविजुअल या फिर एज ए सोसाइटी का एज ए होल होगा, बट ये थोड़ा सा ये दिया है क्या लक्ष्मी गांधी ने? नहीं, ये लिखा है ना, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स द फ्रेटर्निटी हैज टू एंश्योर टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो ये लिखा है, द वर्ड इंटेग्रिटी हैज बीन एडेड टू प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जब हार्मनी मतलब उसके साथ जोड़ा गया पहले. हाँ, जब हार्मनी होगा इंटर कम्युनिटी के बीच, तभी तो यूनिटी और इंटीग्रेशन आएगी ना. तो आई गेस अगर बात करें ये ड्राइव कहाँ से हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. हाँ, तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उससे था फटर्निटी. करेक्ट. उनके के स्लोगन थे वो यूनिटी इंटेग्रिटी शायद. हाँ, वही थे. करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. तो इसमें क्या मार्क किया सबने? बी हो इसमें तो. बॉम्बे. हाँ, बॉम्बे. तो इसका आंसर बॉम्बे ही है. तो ये चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी. उसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो तो खुद ही वो रेपो रेट का डेफिनेशन हो गया कि द रेट विच कमर्शियल बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई. तो वो खुद ही उसका रेपो रेट का डेफिनेशन हो गया, तो वो नहीं आएगा. फिर ऑप्शन बी है, ये शायद गेस कर सकते हो, ना भी बताओ कि रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन क्या है. तो ये था कि इट इज द रिडक्शन ऑफ द गैप बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. तो ये गेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं. कि सी, इट इज एम्ड एट इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट. तो ये तो नहीं होगा, मतलब पता भी होगा फिर भी रेपो रेट बढ़ेगा तो फिर लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो लिक्विडिटी ऑब्वियसली कम होगी. तो ये ऑप्शन ऐसा एलिमिनेट हो सकता था. डी बी ऑप्शन उसी डायरेक्शन में के रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द मनी अमंग कंज्यूमर्स. तो डिमांड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो डिमांड नहीं करेंगे. तो उसका ऑप्शन बी है. तो ऑप्शन बी देख लेते हैं एक बार कि क्या ये रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन. रिवर्स रेपो इज द इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई पेस टू कमर्शियल बैंक व्हेन दे पार्क देयर एक्सेस लिक्विडिटी. जब बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो
आरबीआई को लैंड कर देते हैं, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का बीच में जो गैप होता है, मान लो कि रिवर्स रेपो रेट 3 है और रेपो रेट 6 है, तो ये दोनों का गैप है, तो वो गैप ज्यादा है, और रिवर्स रेपो रेट 2 है और रेपो रेट 4 है, तो वो गैप कम है। तो ये जो गैप है उसको ही, वो गैप करने के प्रोसीजर को ही बोलते हैं कि रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। यही था, किसी को और कुछ ऐड करना हो तो। ये बढ़ क्यों गया, मतलब गैप अब कम क्यों कर रहे हैं इसको, क्या लॉजिक था इसका गैप बढ़ने का इन दोनों नहीं बीच में? हेलो, बैंक्स डोंट पार्क देयर एक्सेस अमाउंट विद आरबी। हेलो, हाँ तो कोविड था, कोविड था तो तब ऐसा था कि ये जो बैंक इंटरेस्ट रेट था ना, वो बैंक वो रिवर्स रेपो रेट को बेंचमार्क बना के इंटरेस्ट रेट बनाती थी। फिर बिफोर कोविड तो रेपो रेट था, लेकिन कोविड में ऐसा हो गया कि रिवर्स रेपो रेट को बना दिया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। और लेकिन फिर बाद में आया कोविड के टाइम, हमारी गवर्नमेंट ने आई थिंक 2021 का बजट था, तब बोला था कि हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ये करेंगे। हाँ तो एक्सपेंडिचर करेंगे मतलब वो उनको लिक्विडिटी बढ़ाना था, तो तब वो लिक्विडिटी बढ़ाते और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते तो वो फिजेबल नहीं था, तो तब कम था तब, तो तब का रेट रेपो रेट 4 था, लेकिन अभी जो बढ़ा है अभी न्यूज में था वो 4.4 कर दिया। और तब का देखो रिवर्स रेपो रेट तो सेम ही है, मतलब पुराना वाला और नया वाला, वो 3.35% था और आज भी 3.35% है। और पुराना वाला रेपो रेट था वो 4.4% से इंक्रीज करके 4.4 कर दिया, वो गैप बढ़ा दिया, क्योंकि अब लिक्विडिटी कम करनी है हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हाँ मतलब बेसिकली बस यही है कि बैंक्स को इंसेंटिवाइज करते हैं, आप थोड़ा सा रेपो रेट बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, बैंक इंसेंटिवाइज होगा और अपना एक्सेस फंड आपके पास पार्क कर देगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी उस सेंस में, तो उतना हाँ, मतलब जब कोविड में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी ला रही थी तब ऐसा था कि सारे बैंक को मतलब सिक्योरिटी चाहिए थी, तो सबको आरबीआई में ही पैसे जमा करने थे, तब इसीलिए ऐसा लिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या मार्क किया सबने? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। कैसा एलिमिनेट किया? ये तो वैसे कई बार पढ़ चुके हैं, तो जो शेड्यूल फिफ्थ वो वर्मन है, शेड्यूल थर्ड या साइट्स के लिए अभी कोई पार्ट जो इनकॉर्पोरेट नहीं है, बट अभी जो अमेंडमेंट आएगा उसमें होगा, ठीक है। और शेड्यूल 6 जो है वो कल्टीवेशन है प्लांट्स के लिए, तो हमने 6 प्लांट्स जो थे वो देखे थे इसके अंदर, तो वही था। तो वही था, इसमें ऐसा लिखा है शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ वर्मिन एनिमल्स, तो वो गलत हो जाएगा, वो वर्मिन एनिमल तो शेड्यूल 5 में आता है। और फिर क्वेश्चन था शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट, तो वो अभी जो नया अमेंडमेंट बिल आया उसमें बोला है कि साइट्स में जो भी स्पीसीज है उसको ऐड करेंगे हम, अभी तक ऐड नहीं थी उसके लिए साइट्स वाली स्पीसीज, तो उस हिसाब से वो भी गलत हो गया। और शेड्यूल 6 था तो उसमें प्लांट्स आता है, तो अब जो नया अमेंडमेंट बिल आया है उसमें वो रैशनल कर रहे हैं सारे, मतलब 6 शेड्यूल थे उसमें से अब 4 ही करने को बोल रहे हैं। वही था, बस ये देख लेना। तो बाकी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि वो नया अमेंडमेंट बिल में ऐसा था कि जनरल वायोलेशन हो गया WPA का, तो पहले अप टू ₹25,000 था, तो उसकी लिमिट बढ़ा दी 1 लाख कर दी, और स्पेशल प्रोटेक्टेड एनिमल्स में कोई किलिंग हो गया तो एटलीस्ट 10,000 था, तो अब मिनिमम यानी कि मिनिमम 10,000 था, तो अब मिनिमम 25,000 कर दिया है।
ये भी देख लेना कि जो सिक्स शेड्यूल में जो प्लांट थे उनका बोथ कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स कैन ओनली बी कैरिड आउट विद प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो वो परमिशन से उगा सकते हो। तो इस पे भी यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेंथ। टेंथ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द स्कीम टू प्रमोट वुमन पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या मार्क किया? बॉम्बे मार्क किया इसमें। बॉम्बे ही है इसका आंसर। तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है गति स्कीम एम्स टू एंकरेज गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 टू परस्यू करियर इन साइंस एंड टेक। तो वो स्कीम गलत हो गई। वो स्कीम है विज्ञान ज्योति, जो ये 9 to 12 वाले बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए एंकरेज करते हैं। और गति स्कीम वो अलग है। गति गति यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। तो एक पायलट प्रोजेक्ट है और डीएसटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो वुमन पार्टिसिपेशन बढ़ाते, वो बीच में था स्टैम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स, उस सारे डिसिप्लिन में वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, तो वो गति वाला था। लेकिन ये जो स्कीम था 9 to 12 वाला, वो विज्ञान ज्योति है। फिर सेकंड स्टेटमेंट था सर पावर एम्स टू ब्रिज जेंडर डिस्पेरिटी गैप इन द रिसर्च फंडिंग इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही था कि मिटिगेट जेंडर डिस्पेरिटी इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग। फिर आया थर्ड स्टेटमेंट NEAT नीट एम्स टू प्रोवाइड फंड्स टू वुमन साइंटिस्ट फॉर परस्यूइंग रिसर्च इन अप्लाइड साइंसेज। तो वो गलत है। ये नीट स्कीम अलग है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला स्कीम था कि AICTE और जो भी ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो एजुकेशनल सेक्टर में कुछ ऐसा इनोवेशन करे या मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजी लाए पढ़ने के लिए। एडटेक प्लेटफॉर्म कंपनीज थी ना, उनका ये अलायंस था गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट की ओर से इसमें AICTE जो था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो वो इसके साथ मिलकर, ये एडटेक कंपनीज के साथ मिलकर वो कोर्सेज जो थे वो लॉन्च करेंगे, और इसमें शेड्यूल कास्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग होते हैं उनके लिए कोटा रहेगा उसके अंदर, कि उनको कुछ स्पेसिफिक पार्ट उन्हें देना पड़ेगा नीट के अंदर, ठीक है। यही था। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड के बारे में था, क्या वहां क्या 11 में? आगरा किया। आगरा, तो इसका आंसर जो था वो एक्चुअली कैलकटा था। सो एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स आर लेयर ऑफ एयर पॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ एरोसोल सच एज ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन डस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑल्टर करता है एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन को, ठीक है, ऑफ सोलर रेडिएशन। एंड जनरली इसके अंदर सिर्फ नेचुरल नहीं बट की एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स भी हो सकते हैं, तो वो याद रखना। During the experiments such as in Indo-X, they have found to exist from ground up to a height of 3 kilometers from Earth surface. ठीक है, so Earth surface से लेके पूरा 3 kilometers तक ये मिल सकते हैं। It was first found over the region comprising of South Asia and North India ocean during the Indo-X experiment of late 90s. ठीक है, and तब इस फिनोमेना को एशियन ब्राउन क्लाउड नाम दिया गया था, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो उसको यूनिफॉर्म सब जगह मिलने लग गया था, तो फिर एक जेनरिक नेम था एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, वो दे दिया गया था, ठीक है। सो द इफेक्ट ऑफ एरोसोल इज ड्यूअल इन नेचर। तो ये वार्मिंग को, इट कॉजेज बोथ वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन स्पेशली बाय ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन। हाउएवर अदर क्लाउड्स, हाउएवर अदर लाइट कलर एरोसोल सच एज नाइट्राइड सल्फेट कॉज एनहेंस रिफ्लेक्शन ऑफ सल्फर रेडिएशन लीडिंग टू कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग में दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उसको बढ़ा भी रहा है, उसको कम भी कर रहा है। जो ब्राउन और ब्लैक कार्बन होता है वो हमें पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं कि वो रेडिएशन को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, तो उस सेंस में वो हीट भी करते हैं। लेकिन कई एटमोस्फेरिक क्लाउड जो है उसके अंदर सल्फेट और नाइट्रेट ये कंपाउंड हो सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो उस सेंस में कूलिंग इफेक्ट देंगे।
तो इस सेंस में आंसर इसका सी था, ठीक है. अब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मिलते हैं, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट था, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो विद रेफरेंस टू डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, तो किसमें क्या मार्क किया क्वेश्चन नंबर 12th में? बी फॉर बॉम्बे. बॉम्बे. अच्छा हाँ करेक्ट है बॉम्बे. तो कौन से एरिया में है ये? ये तो नहीं पता तो बट एक्सक्लूसिव नहीं है लैंड का, कुछ ऐसा पता है. हाँ, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. तो इस सेंस में थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अभी COP26 के दौरान ही इस चीज को लागू किया गया था, तो इस सेंस में इम्पोर्टेंट है. इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ यूके गवर्नमेंट, ठीक है. ऐसा कंफ्यूज करने के डाल देगा, इंडिया का और यूके का था या यूएस का था, तो ये यूके का था. एंड इसमें हॉल्ट करना है फॉरेस्ट लॉस एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030, ठीक है. नेक्स्ट इट ब्रिंग्स इन, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि डिक्लेरेशन है, तो प्राइवेट भी पार्टीज भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है. सो दिस ट्रीटी ब्रिंग्स टुगेदर बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर द कंट्रीज विद फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है. नेक्स्ट, अनलाइक मोस्ट कंट्री डिस्पाइट बीइंग इन द टॉप 10 फॉरेस्ट रिच कंट्रीज, इंडिया हैज ऑप्टेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन, ठीक है. सो ये याद रखना, इंडिया ने इसमें पार्ट नहीं लिया है. सो उनका अपना ये लॉजिक था कि ये दोनों चीजें जो है इंटरलिंक नहीं है, ठीक है. सो उस सेंस में बाहर आ गया, और यही याद रखना है. राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13th. सो दिस वाज अबाउट शार्प शार्प हरी स्कीम. तो आई गेस हमने शायद मंथली कंपाइलेशन किया था, तब देखा था. तो क्या वाक किया 13th में? दिल्ली क्या सेकंड हाँ, बता तो सकते हैं? सेकंड वाला ऑप्शन तो हाँ, पीड़ा तो नहीं है ना. हाँ, पीड़ा नहीं था, तो ये पता होता तो ही कर पाते, अदरवाइज तो थोड़ा मुश्किल होता. डी इसमें लगता है. ये पता होने के बावजूद भी मैंने गलत किया है. ये मरीन मैंने ध्यान ही मैंने नहीं ए दिया. लगाया था. हाँ, तो एक्चुअली मेरे से भी ये गलत हो गया, मेरे को भी अपेडा लग रहा था, सही है, लेकिन अपेडा नहीं है, एक मरीन करके सिमिलर नाम का ही बॉडी है, एम पेडा करके, तो वो चीज था, ठीक है. तो ये याद रखना, शापारी जो है एक सर्टिफिकेशन स्कीम है एक्वा कल्चर के लिए, ठीक है. तो एक्वा कल्चर, ये चीज याद रखना, एक्वा कल्चर इज नॉट लिमिटेड टू फिश ओनली, उसमें और भी जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है लाइक क्रस्टेशन, श्रिम्स, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है. सो इट हैज बीन स्टार्टेड टू बूस्टर ब्लॉस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है. इसको एम पेडा है वो लॉन्च किया है, ना कि एपेडा, ठीक है. एपेडा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फिशरी वाली में आ गया नहीं, एपेडा पूछ कॉमर्स. रहा था. अच्छा हाँ, कॉमर्स में. हाँ, वो तो कॉमर्स में था. एम एम पेडा भी कॉमर्स में है क्या? नहीं, कुकीज में होना चाहिए. आई फिशरी थिंक मेरन एनिमल्स प्रोसेसिंग फिशरी. ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. बाकी आई थिंक इजी था, बस वो पता होता कि एपेडा नहीं था, बस तो हो जाता, ठीक है. सो ये चीज याद रखना. और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एपेडा एमपेडा वगैरह, और सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, ठीक है. हॉट ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14th. हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेटिक रीजन पे क्वेश्चन था, क्या मार्क किया? डी फॉर दिल्ली. दिल्ली. ठीक है, हाँ दिल्ली था इसका आंसर. तो ये चीज अपने को पता है कि ऑफशोर विंड जो होती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स की बात कर रहा था, तो सेंस में जो ऑफशोर विंड होती है वो कॉन्टिनेंटल विंड कह सकते हैं उनको, तो उनके अंदर कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, तो देयरफॉर कोई रेनफॉल के चांसेस नहीं होते, ठीक है. नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लो दिमाग में. तो कल भी हमने बेसिकली डिस्कस किया था मोजावे सोनोरन, ये नॉर्थ अमेरिका में है, अटिकामा साउथ अमेरिका में है. कालाहारी, ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका जो रीजन है वहां पड़ता है. देन सहारा, फिर
इंडिया में थार है और चाइना और मंगोलिया के बीच में गोबी डेजर्ट है, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट के नाम बता सकते हो क्या? ऑस्ट्रेलिया में क्या थे डेजर्ट्स? सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, एचर। करेक्ट, तो देख लेना ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट थे। और नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है यार। और हाँ, बाकी अपने को ये तो पता है कि अडॉप्शन होता है, उनमें लीव्स की जगह थ्रोन देखने को मिलता है क्योंकि वो अपना वाटर लॉस कम करना चाहते हैं। और कैक्टस जो होता है उसमें एक थिक लेयर रहता है वैक्स का, तो पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन रोकता है। एंड देन रूट्स उनकी बहुत ज्यादा डीप होती है जिसके कारण वो वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, गोल्ड वगैरह, डायमंड, सोडियम नाइट्राइड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो दीज आर हार इनफैक्ट ऑयल जो है वो सहारा डेजर्ट से इतना मिलता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हम्पी वाला तो हमने कई बार डिस्कस कर रखा था, ये बताना था कि ये प्लेस है एंड कौन सा रिवर पे सिचुएटेड है। तो क्या मार्क्स है इसमें? आगरा या तो बी है बट आंसर आ रहा है। हाँ, एक्चुअली महानंदा हमने शायद रिसेंटली ही, शायद कल ही डिस्कस किया था महानंदा के बारे में। तो महानंदा दार्जिलिंग था वो। यस, गिरी भी कल ही डिस्कस किया था। हाँ, गिरी भी कल ही डिस्कस किया था। तो ये देख लेना, दार्जिलिंग फेमस हिल स्टेशन, महानंदा रिवर जो है वो इससे जाती है, ठीक है। महानंदा फिर ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आफ्टर विच इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड देन ऑन टू बिहार एंड फाइनली टर्न्स एंड फ्लोज टूवर्ड्स बांग्लादेश, अल्टीमेटली री एंटरिंग इन इंडिया। इट फ्लोज थ्रू महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डिसेंड्स नियर सिलीगुड़ी, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्रॉस करके फिर वापस इंडिया में आती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और हम भी हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, ये तुंग बजरा पे है। गिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है, एंड फ्लोस टू साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सोमनाथ जो है वो एक्चुअली कोस्ट पे है, ठीक है। तो हाँ सिंस वो में तो कभी अरेबियन फोर्ट सी पे आ जाता। हाँ अरेबियन सी हाँ पे आ जाता करेक्ट, तो वही एलिमिनेट हो जाता। हाँ करेक्ट, कभी भी एक फोटो वोटो देखा होता ना तो उससे आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते थे कि ये कोस्ट पे है एंड इसके आसपास कोई नदी नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। सो इतना ही था इसके अंदर। अब ये याद रख लेना, गिरी रिवर न्यूज में है क्योंकि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है वो इस पे बन रहा है और गिरी रिवर हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो देसाई लियाकत पार्क था, इसमें क्या मार्क किया 16 में? इसमें तो सी हो गया। करेक्ट, राइट, सबने वही मार्क किया ना? यस ठीक सी है, मार्क करना था, मैंने पता नहीं ये मार्क कर दिया। अच्छा। हाँ, तो क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। क्रिप्स के बाद आया था देसाई लियाकत पैक, इससे पहले एक सी राजगोपालाचारी फॉर्मल आया था, उसको उन्होंने फिर भी डिस्कस किया था लेकिन इसको तो हाथ भी नहीं लगाया गया था, ठीक है। तो सेंस में याद रखना। और इसमें सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन है इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए उसके लिए नेगोशिएशन थी, पार्टीशन के लिए आज सच कोई इतना इलाबरेट प्लान नहीं था इसमें, ठीक है। सो ये याद रख लेना। राइट, और इसमें वो पार्टीशन मतलब सीट रिप्रेजेंटेशन कैसे था कि आधी आधी सीट डिवाइड रहेंगी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और 20% जो बचेगी वो फिर बाकी माइनॉरिटीज के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या मार्क किया? डी हाँ, दिल्ली। तो आई गेस लास्ट बाकी सब, हाँ करेक्ट, तो बाकी सब में म्यांमार, लाओ, सॉरी म्यांमार नहीं, मलेशिया हो गया जैसे, सिंगापुर हो गया, और यहाँ पे ब्रुनेई था, तो ये अलग टोटली डिफरेंट आइलैंड्स पे पड़ते हैं, तो उस सेंस में इलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। सिंगापुर मलेशिया जरूर वहां पे पार्ट जरूर होते हैं लेकिन वो बहुत नीचे हो जाते हैं, ठीक है। सो उस सेंस में था। एक बार फिगर और देख लो अगर है तो इसमें। सो ये रहा म्यांमार, ठीक है। हाँ, तो चाइना का ये प्रोविंस है, इसमें से निकलता है, म्यांमार में फ्लो करता है, वियतनाम में फ्लो करता है, लाओस में फ्लो करता है, थाईलैंड में फ्लो करता है, कंबोडिया, एंड देन लास्ट में वियतनाम के थ्रू साउथ चाइना सी में गिर जाता है, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रिगार्डिंग एरोसोल्स। तो क्या मार्क किया 18 में? ए। ए। ए।
करेक्ट आगरा था, इसमें बस ये पता होना चाहिए एरोसोल्स का लाइफ टाइम होता है बहुत ही कम होता है, तो उस सेंस में थर्ड को इल्यूमिनेट कर सकते थे एंड इजीली ये सॉर्ट आउट हो जाता। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो स्पीसिएशन, तो कोई बता सकता है व्हाट इज स्पीसिएशन? तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता है ना, तो उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि एक स्पीशीज का डिफरेंट टाइप का वो इवोल्यूशन हो जाता है, तो वही स्पीसिएशन ही होता है। ठीक है, सो किसी ने अटेम्प्ट किया था क्या 19th वाला? हाँ मैंने किया था, मैंने 19 किया था आगरा। चलो ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो स्पीशिएशन इज द नेम गिवन टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ठीक है, सो सिम्पैट्रिक, ठीक है सिम्पैट्रिक, ये शायद पढ़ के भी फिगर आउट हो जाता कि सिम मतलब कुछ सिमिलर टाइप का ही, सेम जगह पे ऐसा कुछ रह रहे हैं, ऐसा कुछ सेंस बन रहा था इसका। सो इट्स अ टाइप ऑफ स्पीशिएशन वेयर आर न्यू स्पीशीज ऑकर ड्यू टू जेनेटिक बैरियर्स दैट डिसअलाउ रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं स्पीशीज का डेफिनेशन क्या होता है। स्पीशीज एक ऐसा कम्युनिटी है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है, उसको स्पीशीज बोलते हैं। लेकिन अगर वो चीज नहीं इंटरब्रीड कर पा रहे हैं तो फिर वो डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन चुके हैं, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज हुआ है कि जेनेटिक वेरिएशंस ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उस सेंस में कोई नया स्पीशीज नहीं बनेगा। और ऐसे स्पीशीज में ये चीज तब हम कहते हैं कि सिम्पैट्रिक है, जब वो एक साथ रह रहे थे। ठीक है, जनरली ऐसा देखने में कम होता है कि एक साथ रह रहे थे एंड फिर ये चीज हो जाता है। जनरली देखने को क्या मिलता है कि वो सेपरेट हो गए, काफी लंबे डिस्टेंस पे चले गए। जैसे हम कह सकते हैं डोंकी इंडिया में रह गया और कुछ डोंकी साउथ अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो वो वहां पे कंगारू बन गए। ठीक है, सो इस सेंस में समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पेरीपैट्रिक। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ स्पीसिएशन इन विच द न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड बिकॉज अ सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज वॉज आइसोलेटेड ऑन द पेरीफरी ऑफ दैट हैबिटेट। ठीक है, तो अभी जो डोंकी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो इसमें फिट बैठ रहा है कि वो दूर हो गए। ठीक है, सो उस सेंस में आइसोलेशन की वजह से एक नया वेराइटी आ गया। ठीक है, सो इट इज पैरापैट्रिक नॉट पेरियाटिक टाइप ऑफ स्पीसिएशन विच ऑकर्स बिकॉज हैबिटेट ऑफ सेक्शन ऑफ स्पीशीज हैज अंडरगोन एक्सट्रीम चेंजेस कॉजिंग एडेप्टेशन। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट था उसमें पैरापैट्रिक डिस्कस किया हुआ था। तो पैरापैट्रिक क्या होता है कि आपका जो हैबिटेट जिसके अंदर वो रह रहे थे उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। ठीक है, लेट से फॉरेस्ट फायर की वजह से जो पहले वेजिटेशन था वो खत्म हो गया एंड उसके लिए फिर कुछ नया अडॉप्शन उन लोगों ने कर लिया। ठीक है, सो वो चीज पैरापैट्रिक आएगा। और पेरी पेरी पैरिक पेरी पैट्रिक इज ड्यू टू डिस्टेंस एंड पैरापैरेटिक इज ड्यू टू चेंज इन द हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट एलोपैट्रिक। सो इट्स अ टाइप ऑफ स्पीशिएशन इन विच द न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन द पॉपुलेशन विच स्टॉप्स इंटरब्रीडिंग एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो एक कोई फिजिकल बैरियर आ गया एंड उसने बेसिकली रोक दिया इनके बीच में इंटरब्रीडिंग को एंड धीरे धीरे चेंजेस आ जाते हैं। तो यही था इसके अंदर। ऑलराइट, एवोल्यूशन वाला, किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो सुपीरियोरिटी की बात हो रही थी कि इंग्लिश क्यों सुपीरियर थे बाकी यूरोपियन पावर्स के इन 18th सेंचुरी। तो क्या मार्क है 20 में? बॉम्बे क्या मार्क है? बॉम्बे हाँ, तो बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है, दिल्ली नहीं था, क्योंकि मिशनरी एक्टिविटीज की झील तो बाकी सब में थी। इनफैक्ट जिन्होंने भी शुरू में मिशनरी एक्टिविटीज की थी उन सब के अगेंस्ट एंटी हो गए थे। जैसे पोर्टुगीज ने बहुत ज्यादा क्रिश्चियन एक्टिविटीज करी थी, फोर्स कन्वर्जन भी कर रहे थे वो लोग, तो उस सेंस में लोग उनके काफी ज्यादा एंटी हो गए थे। मराठास वगैरह भी काफी एंटी इसीलिए हो गए थे। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ओरिएंटलिज्म, तो वो ये अपना इंग्लिश नहीं थोपना चाह रहे थे इंडियंस के ऊपर, वो चाह रहे थे कि जो इंडियंस पढ़ रहे हैं वही चीज वो पढ़ते रहे। ठीक है, सो उस सेंस में भी आप इस चीज को फिगर आउट कर सकते थे कि वन नहीं होना चाहिए था इसमें। तो बाकी हमें पता ही है नेवल सुप्रीमेसी उनके पास सुपीरियर थी। इनफैक्ट पूरा 20th सेंचुरी में सबसे इनफैक्ट 20th हो गया, 19th हो गया, इस पूरी सेंचुरी में सबसे सुपीरियर जो थे वो ब्रिटिश ही रहे थे। ठीक है, एंड उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सॉलिड थे और फर्दर
एक स्टेबल गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट चीज रहता है, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। जैसे हम पढ़ते हैं फ्रांस वगैरह में तो गवर्नमेंट की बैंड ही बजी रहती थी वहां, तो इसको मतलब ये चीज सही होता। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वर्ल्ड बैंक के बारे में था, क्या मार्क किया? सी क्या है, कैलकुलेटर सी। तो सी मार्क के जो आंसर इसका करेक्ट है, तो थोड़ा फैक्चुअल था, बट हम पर ने कई बार तो ये टेक्निक देखा था, जैसे कई बार डिस्कस करा करा के जनरली ग्लोबल शब्द पढ़ते हैं ना हम लोग, तो IMF से रिलेटेड होता थोड़ा। लेकिन एक ये रिपोर्ट देखी थी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है, जिसमें ग्लोबल शब्द आता है। बाकी यूजली वर्ल्ड वर्ल्ड से चलता है वर्ल्ड बैंक का सिक्वेंस। तो अगर ये वाला थोड़ा डेवलपमेंट सा क्या बोले, वर्ल्ड हो, डेवलपमेंट वर्ल्ड हो जहाँ पे मोस्टली चांसेस रहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का काम ही वही है ना, पॉवर्टी कम करना, डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट वर्ल्ड को ग्लोबल स्टेबिलिटी दिखे जहाँ पे, वहां पे चांसेस है कि IMF आएगा। बाकी ठीक है। करेक्ट। तो ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो IMF निकालता है, ठीक है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है अगेन वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये याद रखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 22, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का क्या रहेगा इसके अंदर इफेक्ट इकोनॉमी में, क्या मार्क है 22 को? इसमें सर मेन बॉम्बे, बॉम्बे। कैसे बी मार्क किया बॉम्बे आपने? सर। एप्रिसिएशन तो नहीं होगा ना, डेप्रिसिएशन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और सर लोगों एंड टू इज के वो ज्यादा नेगेटिव एलिमिनेटेड। चल रहे हैं तो दो और तीन कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। राइट, अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है मतलब फॉरेनर्स जो इन्वेस्ट करे हुए हैं उनको कम रिटर्न मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक ही अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं उनके हिसाब से, तो उनके रिटर्न को कम मिलेगा। दूसरा, करेंसी डीवैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो इस सेंस में आप इजीली इलिमिनेट कर सकते थे इसको कि अप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि आप फ्लो ऑफ करेंसी बढ़ा रहे हो ना, तो अप्रिशिएशन थोड़ी होती है, जब करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है तो वो डिप्रिशिएट होती है, तो उस सेंस में आंसर इसका बी था। नेक्स्ट पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 23, तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या मार्क किया? चार तो नहीं होगा, तुक्का मारा एक। सी आई ऑल्सो गेस्ट टू इज नॉट इंडिजिनसली डेवलप्ड बिकॉज वी डिडंट हर्ड एनीवेयर, आई डिडंट हर्ड एनीवेयर, सो आई मार्क द सी। करेक्ट, कैलकटा इज द राइट आंसर। तो ये धनुष जो है हम लोगों ने कॉपी किया है लेकिन इंडिजिनस ही बनाया है, ठीक है, ये एक आर्टिलरी गन है, जैसे तोप होता है ना बफोर्स जैसा, तो बफोर्स का ही शायद एक इंडियन वर्जन है ये। नेक्स्ट, INS विक्रांत अभी बन रहा है, ठीक है, तो वो बताना चाहिए। एंड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये हमने कई बार डिस्कस कर रखा है PT वगैरह में, ठीक है, जो क्लोज क्वार्टर का बैटल कार्बाइन थी ये बहुत पुरानी है, ठीक है, तो उस सेंस में पता कर सकते हो कि हाँ इतना पुराना था तो प्रॉब्ली ये कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट रहा होगा, खुद नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो इंडिया इज साइनिंग अ डील विद UAE फॉर एक्वायरिंग 93,895 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, ठीक है। सो मूवीज में देखते हो ना कि दो हाथ से पकड़ के वो मशीन गन चला रहा होता है, एक हाथ नीचे होता है और एक हाथ उसके हॉरिजॉन्टल में रहता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैंडल होता है उसके, तो वो कार्बाइन गन्स होती है। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं, पिनाका थोड़ा देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है पिनाका, क्योंकि कई बार डिस्कस करा हुआ है PT वगैरह में, बार बार न्यूज में आता रहता है। तो रॉकेट है, रेंज उसका 70 किलोमीटर है, ठीक है, एंड एक्यूरेसी अच्छा है उसका, तो बस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 था सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड, तो क्या मार्क है इसमें 24 में? एक में ए क्या है, 1 एंड 2? सी आई मार्क द सी। इवन आई मार्क सी। इवन आई मार्क सी, लेकिन आंसर यही है इसका। मुझे भी लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, बट ये और दो तो पक्का सही थी, मुझे ये पता था, और 1 2 3 का इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने ये मार्क किया।
तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इट कंडक्टेड दिस प्लान एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग सर्वे. ठीक है, तो बेसिकली सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड. तो इसके अंदर बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो चीज करेक्ट था कि जो नेट रिसीट है क्रॉप प्रोडक्शन का वॉज हार्डली 53% ऑफ द टोटल इनकम. ठीक है, तो स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट था वो था कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल इनकम, तो वो करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि क्रॉप से उनको 53% ऑफ टोटल हाउस होल्ड इनकम मिलता है, तो ये चीज याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, मेजर पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड केम फ्रॉम वेज अर्निंग. ठीक है, 40% एंड नॉट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन इन 1819. ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हो. नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट, नॉन फार्म बिजनेस इनकम डिक्लाइन मार्जिनली. ठीक है, तो ये उल्टा हुआ था, जनरली लग रहा था कि शायद नॉन फार्म इनकम बढ़ा होगा, बट ये उल्टा हुआ है, यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है. यार ये बड़ा है मुझे लग रहा है काम, ये शायद सर्वे में भी दिया है मेरे हिसाब से ये. हाँ, एक्चुअली मेरे को भी यही चीज लग रहा है, क्योंकि लॉजिकली भी फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि लोग थोड़ा सा नॉन फार्म एक्टिविटीज पे जा रहे हैं. तो एक बार कोई कंफर्म कर दो, कर देना ये वाला फैक्ट, मैं भी इसको मार्क कर देता हूँ. बाकी तो हाँ, बाकी तो जो फोर्थ स्टेटमेंट था उसमें ऑल कह रहा था, तो ऑल बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा कि ऑलमोस्ट 28 स्टेट हो गए, फिर यूटीज भी है, तो वहां पे सब में ये चीज हो जाए, तो वो थोड़ा सा कम लग रहा था वो चीज. ठीक है, सो उस सेंस में फोर्थ को तो डेफिनेटली एलिमिनेट करते हैं, बट थर्ड का कंफ्यूजन है, एक बार कोई कंफर्म कर देना ये वाला फैक्ट, मैं इसको मार्क कर देता हूँ. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो कोविड के अंदर हमने खूब ये टर्म सुना था, साइटोकाइनिन स्टॉर्म. तो 25th में क्या मार्क किया? बॉम्बे. करेक्ट करेक्ट, बॉम्बे इसका राइट आंसर था. ठीक है, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है. इम्यून सेल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जा रहे थे एंड फिर वो बॉडी को ही किल कर रहे थे. ठीक है, तो COVID-19 में कई लोगों के साथ देखने को मिला. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, क्या वाक्य 26 में? बॉम्बे. सी, बॉम्बे होगा. तो 26 का जो आंसर था वो बॉम्बे था. ठीक है, तो कॉमरेड वॉज अ इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश एंड एडिटेड बाय मोहम्मद अली जौहर. ठीक है, इनिशियली फ्रॉम कैलकटा बट लेटर शिफ्टेड टू दिल्ली. ठीक है, तो याद रखना. एंड बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्ता फाउंडेड युगंधर. ठीक है, ये वाला न्यूज़पेपर कॉमरेड जो था ये मोहम्मद अली जौहर का था. नेक्स्ट, शशिपादा बैनर्जी स्टार्टेड अ वर्किंग वुमेन्स क्लब एंड न्यूज़पेपर कॉल्ड भारत श्रमजीवी. तो सोशल वर्कर एंड लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज हु इज रिमेम्बर्ड एज चैंपियन ऑफ वुमेन राइट. ठीक है, तो याद रखना शशिपादा बैनर्जी के बारे में, वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम किया था और भारत श्रमजीवी नाम से एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था. नेक्स्ट, कृष्णा राव भालेकर ही स्टार्टेड दीन बंधु न्यूज़पेपर. ठीक है, तो ये याद रखना इन 1877. लेटर नारायण एनएम लोखंडे हम जो पढ़ते हैं, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लेबर मूवमेंट में, तो ही सेट अप बॉम्बे मिल एंड मिल्स हैंड एसोसिएशन. लोखंडे वाज द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया. ठीक है, तो ये याद रखना. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट के बारे में था 27 क्वेश्चन, क्या मार्क किया? हाँ सर, वो जो सर्वे वाला था ना वो करेक्ट ही है, मतलब कि वो कम ही हुआ है, पहले 8% था घट के वो 6 हो गया है. मैं फोटो भेज दे रहा हूँ. मतलब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ना जो उन्होंने लिखा है? हाँ सही लिखा है मैंने. मतलब जो सोल्यूशन में दिया वो करेक्ट है कि वो बोल रहे डिक्रीज हो रहा है ना? हाँ डिक्रीज हो रहा है, पहले 2013-14 में शायद 12-13 में वो 8 था, घट के 6 हो गया, तो वो मतलब इन्होंने आंसर सही दिया, मेन बात वो है, थर्ड गलत है यहाँ पे. करेक्ट, जनरली थोड़ा फोरम का ये रहता है कि इसके आंसर कम थोड़ा गलत होते हैं, तो मतलब वो एक बार और इनफॉल वाला जरूर देखना फिर भी. तो ये देख लेना. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट के बारे में था, क्या मार्क किया 27 में? एंड एलिमिनेट करके बाकी सब.
सेकंड एलिमिनेट किया तो फिर बी और सी बच गया ना. आई मार्क्ड बी. सी मतलब मुझे, मैंने पहले भी किसी टेस्ट पेपर में किया था पोस्टल बैलेट जो है सर्विस वोटर के लिए रहता है, ये इलेक्टेड सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, तो सेंस में फिफ्थ वाला करेक्ट था. आर्म फोर्सेस के जो लोग होते हैं उनको अलाउड होता है जो कि सर्व करते हैं आउटसाइड ऑफ स्टेट. And it also allow people with disability and those who are older than 80 years for postal ballot in absentee voter list. Okay. So any person who is confined in prison while serving a sentence of imprisonment on his conviction of for any offense that is unlawful confinement in a prison or police custody is not entitled to vote in an election. So statement jo 2 tha usko eliminate karna tha. Okay. So sense mein ye solve ho gaya. ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? आंसर क्या है? So under preventive detention they can vote. Elector subject to preventive detention. Five is right. Prevention वाले कर सकते हैं जो conviction हो गया ना. हाँ करेक्ट, prevention वाले कर सकते हैं, conviction वाले नहीं कर सकते, बस इतना ही difference. हाँ but conviction वाले दो साल से कम है तो वो election भी लड़ सकते हैं, कुछ ऐसा भी है ना. हाँ दो साल से अगर कम इन कन्वेक्शन है तो फिर दे कैन फाइट इलेक्शन. नेक्स्ट पे चलते हैं. दीप्ति आप कंटिन्यू कर लोगे क्या यहाँ से? अरे सर मैं 21 से 30 साल मैंने बोला था तो आपने कर दिया तो मैंने बोला नहीं. अरे बोल ठीक है चलो क्या डिस्टर्ब करूँ. अगला देखो 28 ये वाला है स्त्री पुरुष तुलना वाला. तो क्या होगा इसमें? ताराबाई शिंदे. हाँ करेक्ट है, शायद सी होना चाहिए इसमें, ताराबाई शिंदे का ही है ये. तो देख लो इनका ही है. उसके बाद ये मेंबर थी सत्या दोषोधक समाज की, एसोसिएट ऑफ सावित्री फुले उनकी वाइफ थी जो ज्योतिबा फुले की, मराठा वगैरह में शायद उस रीजन से थी ये. तो देख लेना थोड़ा इम्पोर्टेंट है. पता था क्या पहले या फिर एलिमिनेट किया? ये तो पता था. नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने भी तो बहुत बेकार है. ये न्यूज़ में चल रहा है ना ऑप्शन ने, रामाबाई रानाडे और ताराबाई शिंदे, थोड़ा आजकल रहता है कहीं ना कहीं दिख जाता है मैगजीन में आपको. दिस इज इन एनसीईआरटी आल्सो. अच्छा ठीक है अगला देखते हैं 29 विद रेफरेंस टू सिक्योरिटी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स स्वीट क्विक इक्विटी. तो क्या होगा? बॉम्बे. हाँ बी फॉर बॉम्बे है. ये दिया हुआ है जर्नल बुक में वगैरह और न्यूज में भी है शायद आजकल. तो आंसर इट इज अ टाइप ऑफ शेयर गिवन टू एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट फॉर देयर एक्सेलेंट वर्क. ऐसा कुछ होता है कि जो कंपनी वंपनी है उसके पास पैसे ना हो या फिर उन्हें वो बढ़ानी हो तो वो इनको दे देते हैं, मतलब कि पैसे ना देके शेयर दे देते हैं बंदे को, कुछ ऐसा रहता है इसमें. सर सॉल्यूशन निकाल देंगे. हाँ यस, ये पिछले टेस्ट सीरीज में भी था शायद सिमिलर के, ये सेम क्वेश्चन है ना. पिछले में तो नहीं था लेकिन यार शायद ऑप्शन बी करेक्ट है. डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी रिसीव स्वीट इक्विटी शेयर, दे गेट शेयर एट अ डिस्काउंट फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नो हाउ, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है तो आपको उठा के शेयर दे देंगे कंपनी का, मेन बात वही है इसमें. ठीक है अगला देखते हैं. ये फिर इंजन वाला है, क्रायोजेनिक इंजन वगैरह. तो क्या मार्क किया इसमें?
सी हाँ बी को आराम से हटा सकते हैं ना, क्योंकि वो हाइपरसोनिक पे काम नहीं कर सकता, शायद सबसोनिक पे करता है ना। आई थिंक सुपरसोनिक। अच्छा सुपर पे करते हैं। हाँ सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड। अरे रामजेट तो उस पे करता है ना सुपर। अच्छा हाँ 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 सुपरसोनिक पे करता है रामजेट। हाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इधर। तो बोल रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन यूज लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन विच टेक रॉकेट इनटू द ऑर्बिट। तो ये पूरा दिया है इसमें, तो इसका टेम्परेचर देख लो 183 से 253 होता है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन हम लोग यूज करते हैं। फिर दूसरा गलत है, रामजेट वर्क्स मोर एफिशिएंटली एट ए सुपरसोनिक। क्वेश्चन में इसने दिया है हाइपरसोनिक, तो सुपरसोनिक का स्पीड इसने दिया है मैक 3-2, मोर देन इससे ज्यादा होता है। हाइपरसोनिक शायद 5 से ज्यादा हो ना, मैक उसको बोलते हैं। स्क्रैमजेट इंजन इज इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन एज इट एफिशिएंटली ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक। तो स्क्रैमजेट वाला रैमजेट का इम्प्रूवमेंट है, वो हाइपरसोनिक पे काम करेगा, रैमजेट वाला सुपरसोनिक पे करेगा। थर्ड करेक्ट है, स्क्रैमजेट इंजन ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फेयर बाय कंप्रेसिंग द इनकमिंग एयर। तो वही है ये। ये देखो फिर अगला, ये 31 से 40 किसने बोला हुआ है क्या? कर दूं मैं, आप ही कर दो। ये देख लो यूएनएससी वाला है, इसके रेजुलेशन 2615 और 2593 न्यूज में है। तो कौन सी, चाहे तो यूक्रेन होगा या अफगानिस्तान होगा यार, किसी को नहीं भी बता दो क्या क्या इसमें। यूक्रेन, अफगानिस्तान, हाँ सॉरी अफगानिस्तान। मुझे वही सब शायद डट के होंगे यूक्रेन और अफगानिस्तान में, बट आई थॉट मतलब सिक्योरिटी काउंसिल एनडीए ज्यादातर अफगानिस्तान के टाइम में मिली, शॉर्ट टू 2000 वाला। तो ये देख लो जो 2615 वाला ना, ह्यूमैनिटेरियन एड दिए हैं अफगानिस्तान को, उससे लिंक है। और जो 2593 वाला है, सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड अटैक दैट टुक पैलेस नियर द, ये कुछ अटैक हुआ होगा उस टाइम में काबुल में, उसने इसको कंडेम करके इन्होंने रेजुलेशन वगैरह पास किया। इसका भी है क्या, यूक्रेन का भी रेजुलेशन आया क्या? अभी तक नहीं आया कोई, यूक्रेन पे शायद कोई रेजुलेशन नहीं अभी। ओके ठीक है, अगला देखो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो क्या होगा इसमें, किया गया इसने सी मार्क किया उसमें। कैसे किया मैम सी? सेकेंड वाला स्टेटमेंट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, उससे टू एलिमिनेट किया, देन विल कम डाउन टू थ्री एंड वन एंड थ्री। फिर ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोल रहा है ना, तो ये बोला है कैन, फर्स्ट स्टेटमेंट में कैन प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव वेब होस्टिंग सर्विसेज टू वेबसाइट्स, मतलब ये alternative completely, some providing something completely alternative, मुझे नहीं लगा सही। ठीक है, तो नहीं जो मैम ने बताया वही है उसमें। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, CDN are not replace the web hosting, a CDN doesn't host a content and cannot replace the need for a proper web hosting। तो वही है उसमें, alternate नहीं कर रहा वो उसको, और कोस्ट तो रिड्यूस ही होगा क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है, तो वहां से इसको हटा सकते हैं यार। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द यूजर एंड वेबसाइट सर्वर। अगला देखते हैं 33, ये आइलैंड है, उनको कंट्री वाइज लगाना है, तो लगाओ क्या होगा। दिखा के मैंने बोला भी था कि ये न्यू कैलेडोनिया है, इट साउंड सिमिलर टू कैलेडोनिया, पूरा डिस्कस किया था ये वाला थर्ड वाला स्पेसिफिक थिंग। एनीवेज देख लो
नागपुर बॉम्बे है, आगले का पता ही होगा यार मॉरिशस में है, एक अजम्पशन आइलैंड भी इधर, वो कहाँ पे है? सीशेल्स। हाँ वो सीशेल्स में, याद नाम रखना दोनों को, कंफ्यूजिंग रहते थोड़े। तो ये देख लो यहाँ पे ये मैप दिख रहा होगा, ये इधर मॉरिशस का सीशेल्स ऊपर है इससे थोड़ा। उसके बाद है संगतेंग वाला, ये भूटान में है शायद, हाँ भूटान में दिख रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इधर, तो कभी न्यूज़ में होगा इन्होंने देख लिया इसलिए। थर्ड वाला है न्यू कैलिडोनिया, इस पर बात हो रही है, फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है शायद, और ये दिखा रहा है कि ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैप में है, हाँ ये रहा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है और ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की। और लास्ट वाला है सिनाई पेनिनसुला, पता ही हो तो यार इजिप्ट का है, ये दोनों कॉन्टिनेंट में आता है ना, एशिया और अफ्रीका में, ऐसा है ना ऐसा कुछ चक्कर? करेक्ट। अगला देखो ये स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, तो क्या होगा इसमें? दिल्ली, बी दिल्ली। कुछ भी नहीं पता तो आजकल आईपीओ का ज्यादा चल रहा है एलआईसी, उसको ऑप्शन में है तो उसको कर सकते हो क्लिक। द कंपनी कैन गो फॉर गो पब्लिक इन लेस टाइम थ्रू एसपीएससी रूट एज कंपेयर टू कन्वेंशनल आईपीओ प्रोसेस। कोई समझा सकता है क्या होता है ये जल्दी से? पता हो तो किसको ज्यादा? हाँ मतलब आईपीओ लाने के लिए ना बहुत ब्रॉड प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये सिर्फ स्पेशल कंपनी बनाई ही इसलिए जाती है कि किसी और कंपनी का ये एक तरीके से पेरेंट कंपनी बना दिया, ठीक है, एंड फिर उसके आईपीओ आपने इशू कर दिए, ठीक है। तो एज सच इतना कोई जो मैंडेटरी वर्क था वो नहीं लाना पड़ेगा, एंड डायरेक्टली इसके थ्रू आईपीओ आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत टीडियस प्रोसेस रहता है। तो द एसपीएससीज आर मैंडेटेड टू रिटर्न मनी टू देयर इन्वेस्टर इन द इवेंट ऑफ नो मर्जर इज मेड within 2 years, there is no mandate with respect to return of money to investor in case of split within the company. Investors in a SPAC can range from private equity funds to general public. And a general purpose acquisition company is a company that no commercial with no commercial operation and is strictly formed to raise capital. Okay, so या तो IPO के through कर सकता है या फिर कोई और एक्वायर या मर्जिंग हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का एसपीएसी के साथ कर दिया जाए, तो उस सेंस में दिस वर्क्स। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है सर, 35 देखते हैं। ये रूलर और उनकी डायनेस्टी वाला है सवाल, तो क्या होगा इसमें? कॉइन वगैरह किसने क्या किया? ये इसमें दिल्ली मार्क किया, दिल्ली लग रहा है। ये अभी परसों पसले तो डिस्कस किया था, परसों ही डिस्कस किया था। हाँ सिल्वर टंका और कॉपर, हाँ ये पता था, लेकिन ये जोडियक साइन पता नहीं था। जोडियक हाँ जोडियक साइन डिस्कस नहीं किया था, बट ये अपन ने डिस्कस किया था कि इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका और कॉपर जितल रिलीज किए थे, तो वहां से सेकंड को इलिमिनेट करते तो वन एंड थर्ड मतलब बी और डी में ऑप्शन रहता, एंड बी और डी दोनों में 3 कॉमन था, तो वहां से ये कंफर्म हो जाता कि हाँ थर्ड वाज डेफिनेटली ट्रू, और वन अपने को पता है कि ब्रास कॉइन इश्यू करता है, बट दैट एक्सपेरिमेंट फेल्स, ठीक है। तो एमबीटी ने किया था अपना, पता ही होगा ब्रास और कॉपर वाले, तो इसका टाइम पीरियड इन्होंने दे रखा है कि ये इस पीरियड में किया था 1329 से 32 में, तो फेल हो गया था वो, कुछ ऐसा डिजास्टर इन्होंने किया था। सेकंड पता है उन्होंने नाम चेंज कर दिया, एक ही ने नहीं किया था वो, इस इल्तुतमिश ने किया था, उन्होंने सिल्वर तंका और कॉपर जितल कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे, और जहांगीर नूर जहां वाइफ थी इनकी, तो उस मजे में आके इन्होंने इमेज ऑफ जोइडिक साइन वगैरह कर दिए थे। कोइनेज अंडर द शेरशाह सूरी हो जाए रिफ्रेशिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या दिया इन्होंने, कुछ किया हुआ इन्होंने। इसने भी कोई कॉइन्स इशू किए थे, तो उसका क्या नाम था शेरशाह सूरी ने? आज भी वो शब्द इस्तेमाल, आज भी वो शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना, रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में दिया हुआ, तो क्या होगा इसमें?
यार पहला तो हटा सकते हैं ना, लग के 2 घंटे के बाद स्टेट ले बेटा, बीच में कोविड आ गया था, कुछ तो गिरेगा ना थोड़ा बहुत। अब तो हम सेकंड बन गए वर्ल्ड में, बट थोड़ा बहुत तो गिरेगा, तो एक होता सकते हैं। और यूक्रेन रशिया नहीं लेते हैं शायद, जापान वगैरह से हम लोग करते हैं बस, या 3 फिर। ओके वी एक्सपोर्ट स्टील ना, वी डोंट। यूक्रेन वगैरह से हम सोयाबीन का कुछ करते हैं ना, ऑयल का ज्यादा करते हैं, सनफ्लावर। हाँ सनफ्लावर करेक्ट। तो पहला तो वो है ही, देख लो ये देख, कोविड में गिरा है ये देखो, मतलब 110 था फिर 108 हो गया फिर 102 हो गया, बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, तो मेजर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन से लेते हैं हम लोग शायद, तो इधर ये दिया है। थर्ड देख लो, अब ये वॉर चल रहा है तो ऑब्वियस बात है जो प्राइस है आयरन और कोक के इंक्रीज होंगे वॉर से। थर्ड स्टेटमेंट तो जनरली था यार, यहाँ से हम सनफ्लावर करते हैं यूक्रेन और रशिया वाले से ज्यादा, बाकी डिफेंस का चलता है अपना रशिया के साथ। अगला देखो क्या किया इसमें, थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये वाला। दिल्ली चल क्या, मैंने बॉम्बे बस मैंने भी सो ये अपने को बताया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में कह रहे नो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, तो अपने को ये पता है मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ये चीज लगता है कि ट्रू है, लेकिन क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है बाय गिविंग अ 2 मंथ नोटिस। तो इस सेंस में वन को एलिमिनेट कर सकते थे, एंड वन को एलिमिनेट कर दे तो प्रॉब्ली आपके पास ऑप्शन सेकेंड और थर्ड जो था वो बचता। थर्ड भी डेफिनेटली नो केस ट्रू, वहां पे नहीं हो सकते। एंड सेकेंड जो था वहां पे अगेन वो प्रिसाइडिंग पार्लियामेंट के थ्रू पावर है उनको, प्रेसिडेंट के थ्रू पावर नहीं है वो चीज, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, तो इट्स थ्रू पार्लियामेंट नॉट थ्रू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उस सेंस में कह सकते हैं एमपी हो गया ना, तो फिर एमपी का तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे। सही है, तो ये देखो यार अगर यहाँ पे ये बोलता ना पहले ऑप्शन में क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाला, तो करेक्ट हो जाता शायद, ये पूछा भी यूपीएससी ने। सिविल वाला जो सर ने बोला ना 60 दिन में आप कर सकते हो नोटिस वोटिस देके, तो वही बात है, वो तो वही लिख रहा है ऑप्शन में, 2 मंथ का नोटिस देके सिविल हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्रिमिनल नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर है पार्लियामेंट इफ नो सेशन ए कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी अरेस्टेड, तो ये कर सकते हैं इसको। प्रेसिडेंट का वो शायद मैंडेटरी नहीं है उसमें, किससे होता है फिर वो रूल्स में दिया भैया उसके बारे में, कैसे क्या मिनिस्टर को वो करेंगे हम लोग अरेस्ट, एज पर सेक्शन 20 रूल्स वगैरह में लिखा हुआ यहाँ पे, तो कैसे अरेस्ट करना है, तो ये वही है। और जो थर्ड है वो सही है, नो सिविल प्रोसेस कैन बी इंस्टीट्यूटेड मेंबर आउटसाइड विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वही बोल रहे हो। ये फिर 39 ये पल्स वल्स के बारे में है, हाँ सॉरी 38। तो क्या होगा इसमें, बॉम्बे क्या, बॉम्बे बी, बॉम्बे कौन सा होता है सबसे लार्जेस्ट इंडिया में, अरहर की दाल नहीं होती चने की होती है, ऑप्शन में उसने वही लिखा हुआ है, तो ग्राम होता है वही होता है, 40% होता है अपना ये टोटल का ग्राम वाला, उसके बाद बाकी होता है फॉलोड बाय ये पीगन पी वाला अरहर वाला 15-20 रहता है, तो यही दिया इसने, रीजन दे रखा है कौन से में क्या होता है। सबसे ज्यादा है स्टेट ऑफ एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक, ये टॉप है अपने दाल में, ठीक है। फिर आओ सेकंड ऑप्शन पे, ग्रीन ग्राम कैन बी ग्रोन इन अ वाइड रेंज एरिया इन द सोल इंक्लूडिंग सैंडी सोलो, राजस्थान भी अच्छा करता है ना, तो आइडिया लगा सकते हैं कि उधर भी होता होगा, तो कंडीशन दे रखे इसने 25-35 टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल इतना होना चाहिए, वाइड रेंज ऑफ सोल, ब्लैक कॉटन से लेके लैटराइट में हम लोग कर सकते हैं, इवन द सैंडी सोल ऑफ द राजस्थान, तो सैंडी लूम सोइल में हम लोग इसको कर सकते हैं, लेग्यूमिनस होता है ना। थर्ड पे आओ, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है ऑफ ए ब्लैक ग्राम, और वैसे भी हम पूरे पल्स में भी शायद ऐसा ही है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इम्पोर्टर भी है शायद, कुछ ऐसा है, तीनों है हम लोग। तो ब्लैक ग्राम इज साइंटिफिकली
नाम दिया है इसने कुछ, उड़द की दाल हिंदी में बोलते हैं, मेनली कल्टिवेटेड इन द एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान म्यांमार पार्ट ऑफ सदर्न एशिया। अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स ब्लैक ग्राम प्रोडक्शन कम फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ ब्लैक ग्राम। अच्छा, अपना जो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग उसमें ये टॉप में आता है क्या, जितना इम्पोर्ट वाला होता है जो माल, पल्सीज ज्यादा करते हैं या फिर ऑयल सीड ज्यादा करते हैं हम लोग? ऑयल सीड्स आई थिंक, ऑयल सीड ज्यादा करते हैं। हाँ सही है, ऑयल सीड थर्ड नंबर पे, पल्सीज शायद थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पे है। ठीक है, नेक्स्ट 39th। फिर अगला है उन फैंस से लिंक है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हर्षा के टाइम में क्या होगा इसमें? हाँ आगरा होना चाहिए। तो बुक का नाम तो पता ही था इसका यार, और सेकंड ऑप्शन बोल रहा पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम वर नॉट बर्डन विद हैवी टैक्सेस, ये करेक्ट था। सती सिस्टम तो अब्सेंट कभी हुआ नहीं इंडिया में, और क्रिमिनल एंड रिबेल्स और अब्सेंट, अब्सेंट तो नहीं होंगे, कम होंगे बट अब्सेंट नहीं होंगे। इसमें देखना है सर, कुछ है नहीं मेरा। नहीं ये इजी था ये तो चलते हैं। अगला देखो, ये कोई डिक्लेरेशन है कुनमिंग डिक्लेरेशन के बारे में, तो क्या हुआ इधर? बॉम्बे। पहला तो मुश्किल है यार, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, और सेकंड बोल रहा है ये 30% वाला अर्थ वाला, ये इसका नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी लिंक है, तो सी हो जाएगा इधर। ये 30% वाला किसका है कि 30% अर्थ को सेव करेंगे हम लोग, चल रहा है ना आजकल? तो ये देख लो, पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क के बारे में है, कूमिंग डिक्लेरेशन नोट है, इंटरनल लीगली बाइंडिंग नहीं है ये, तो पॉलिटिकल विल पे है करो या ना करो। सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, 30x30 गोल इज प्रपोज कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द लैंड एंड ओशन बाय 2030। कोमिंग डिक्लेरेशन डजंट एक्सप्रेसली कमिट टू दिस गोल, इट ओनली मेड अ रेफरेंस टू 30x30 टारगेट विच इज अ की प्रपोजल बींग डिबेटेड एट द COP15, तो वहाँ पे डिबेट हुआ था ये 30x30 वाला। और ये पोस्ट 2020 इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्शन फॉर कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, एक नगोया प्रोटोकॉल भी है इधर, वो किस लिए है इसमें? बेनिफिट शेयरिंग के लिए। हाँ ये लिविंग कार्टेजिना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, नगोया बेनिफिट शेयरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज 41। हाँ तो ये अरेंज करना था, ये 18th सेंचुरी कुछ इवेंट है, तो कैसे होगा? आंसर इसका कैलकटा नहीं है आंसर इसका 41 का। हाँ कैलकटा आंसर, सॉरी ये इस स्टेटमेंट की वजह से मेरा गलत हो गया, त्रिचुपल्ली मेरे को लगा ये सबसे एंड में रहा होगा, बट ये पहले हो गया था, देख लो। ऑलराइट, तो सबसे पहले नादिर शाह का इन्वेजन था, हु ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1739। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंच आर्मी सरेंडर टू इंग्लिश इन त्रिचुपली इन 1752। ठीक है, तो ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर का पार्ट था। ठीक है, तो उन्होंने काफी अंदर डिटेल में पूछ लिया कि अगर ये पता होता तो ठीक था, अदरवाइज कंफ्यूजन होता था दो ऑप्शंस के बीच में। नेक्स्ट सरेंडर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ब्लैक होल इंसिडेंट्स, तो ये अपने को पता ही है कि इसी के बाद फॉलोइंग या इसका एक कंक्लूजन बैटल ऑफ प्लासी होता है। ठीक है, तो ब्लैक होल इंसिडेंट्स पहले आया था 1756 में, और अगले ही साल नवाब जो है ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो उस सेंस में ये फिगर आउट कर सकते थे। ठीक है, क्रोनोलॉजी। ऑलराइट, किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 42। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में यार, इजी सवाल था, क्या हुआ इसमें? कैलकटा मार्क किया है। बाकी तो आई थिंक इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट यूनियन की वो क्या करेगी यहाँ पे, तो सेंस नहीं बनता। चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर 5 साल, तो जनरली
बहुत हाई एज पीपल जो है वो बनते हैं, ठीक है, तो दो दो साल से ज्यादा का टेन्योर हो ही नहीं पाता, मतलब उतने में उनकी एज हो जाती है, ठीक है, तो 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गया. फोर्थ देखोगे, दे के नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी ऑफिस टू सर्व द गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट. तो ऐसा नहीं होता, सुपर एनुएशन एक चीज होती है जिसके अंदर वो रिटायरमेंट के बाद भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है. सो अभी जैसे आई थिंक दिल्ली वाला एग्जाम्पल है ना, दिल्ली के जो कमिश्नर बने राकेश अस्थाना, तो वो सुपर एनुएशन है उनको, तो मतलब जो जनरली प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है उसके बाद भी वो एग्जिस्ट करें वहां पे, ठीक है. ये शायद सीएम अपॉइंट करता है ना इनको, ऐसा कुछ होता है ना सीएम या पीएम रिलेटिव. एक बार वापस रिपीट करो, किसी का ऑडियो नहीं आ रहा प्रॉपरली. हाँ मैं बोला सीएम अपॉइंट करते हैं ना इनको, सीएम या पीएम जैसे स्टेट सेंटर पे रिलेटिव. करेक्ट करेक्ट. हाँ और टेन्योर इनका ठीक फिक्स है. नहीं होता, 2 या 3 साल दो करता रहता है यार. आपके रिलेशन कैसे है वैसे रहता है कुछ ऐसा. हाँ बाकी क्योंकि जनरली बहुत हाई एज के लोग होते हैं, तो फिर उनका रिटायरमेंट आने वाला होता है, 2-3 साल का सर्विस बचता है इन लोगों को. सही है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 43 पे. ये फिर ईडीएनए से आजकल जो न्यूज में उससे पूछ लिया इन्होंने, क्या हुआ इसमें? दिल्ली. दिल्ली मार्क किया है हाँ दिल्ली होगा ये तो. शायद. हाँ, ये तो पीटी में गिवन था कि किसी भी रीजन के अंदर आपको चेक करना है कि कितने टाइप की स्पीशीज हैं या ओवरऑल पॉल्यूशन कितना है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, पानी का सैंपल लो, उसमें बहुत सारे डीएनए पार्टिकल होंगे, और वो डीएनए पार्टिकल आए कहाँ से होंगे, ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्किन सेल्स, बॉडी सेल्स या और कुछ जो है वो उसमें निकल निकल के गिर जाते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया में कितने सारे स्पीशीज थे. तो इससे ऐसे भी स्पीशीज का बारे में पता लग सकता है जिनको शायद देखा ही नहीं गया कभी, तो उस सेंस में थर्ड वाला जो था वो करेक्ट था, एंड सेकेंड वाला वॉज इनकरेक्ट, एंड फर्स्ट वाला करेक्ट. ठीक है. ठीक है 44 पे आओ. ये बोल रहे अच्छा सर इसका हो गया, आपने बताया ये वही बात लिखी हुई है सॉल्यूशन में ना. 44 पे आओ, सेक्शन 124A अप्लाइड क्वेश्चन था थोड़ा. क्या गया? हाँ बॉम्बे मार किया. बॉम्बे 2 एंड 5. तो स्टेटमेंट है. हाँ 2 एंड 5 ही लग रहा है. क्रिटिसाइज पार्लियामेंट, अगर यही इसमें होने लगा तो फिर तो पूरी कंट्री अंदर हो जाएगी ना. इसको निकाल दो तो आंसर आ जाएगा बी. करेक्ट. तो बी आंसर था, ये 124 था. अभी इस पर डिबेट भी चल रहा है, ठीक है. सो ये देख लेना, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट. द ओरिजिनल लॉ वॉज ड्राफ्टेड बाय थॉमस मकॉले इन 1837, बट वॉज इनएक्सप्लिकेबली इमिटेड ओमिटेड व्हेन द आईपीसी वॉज इनएक्टेड इन 1860. ठीक है, बाद में आया किसके अंडर है ये, तो बता सकते क्या, क्या सर? ये 124 आईपीसी का आया किसके अंडर था? ब्रिटिश टाइम का ही है ना, ऐसा बोलते हैं ना इसको. ये याद नहीं है. हाँ जैसे ये यहाँ पे नहीं, वो 1835 का तो मना ही कर रहा ना, कि मकॉले ने एनेक्ट किया था, लेकिन जब आईपीसी बना था 1860 में तो इसमें नहीं रखा गया था. लिटन के टाइम ये आया होगा. फालतू है. चलो ठीक है, देख लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं. यस. फर्स्ट तिलक वाज अरेस्टेड. एटीन. आईपीसी. हाँ तो ये याद रख लो, आईपीसी ये 1870 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन अमेंडमेंट, ठीक है, तो 1870s में ये वर्क में था, एंड जो करंट एडिशन है दैट इज सिमिलर टू 1898 विद फ्यू ओमिशंस ओवर द इयर्स, ठीक है, तो ये याद रख लेना. एंड प्री इंडिपेंडेंस में आई गेस जुगेंद्र बोस जो थे उनको क्रिटिसिज्म किया था उन्होंने, एंड उनको इस एक्ट के अंदर जेल में डाला गया था, ठीक है, और फिर बाल गंगाधर तिलक का भी सेडिशन ट्रायल चला था, ठीक है, इनफैक्ट वो 2 बार चला था उनका इसके अंदर, एंड गांधी जी का भी चला था. गांधी जी का याद है क्या, क्या कर लिखा था उन्होंने? तो यंग इंडिया में गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था, तो उसके खिलाफ फिर उनपे केस चला था, ठीक है, तो याद रखें. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45.
तो ये कुछ मिशन है इनको लगाना है। 45 में यस 45 में कैलकटा आंसर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का हमने पढ़ रखा है सोलर ऑर्बिटर, जैसे नाम ही नहीं है उसका, तो आदित्य एल्वन है। पार्कर जो है वो नासा का है, ठीक है, तो उस सेंस में 1 और 2 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता एंड थर्ड बच रहा था। तो फिर यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट जो है वो इसी से एसोसिएटेड है, तो यूलिसिस को बता सकते हो क्या किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था मिशन 1990 के अंदर ही, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इट मेड 3 कंप्लीट ऑर्बिट्स ऑफ द सन एंड हेल्प द डिटरमाइन द सन्स मैग्नेटिक रिवर्सेस इन डायरेक्शन एवरी 11 ईयर। तो जो हम बात करते हैं सोलर साइकिल 11 ईयर्स का, तो इस मिशन के थ्रू फिगर आउट ही होता। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड पार्कर सोलर प्रूफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो हमने शायद पढ़ा था कि वो कोरोना को टच कर गया है सन की। ठीक है, तो वो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो ये इन्होंने बहुत जमा के क्वेश्चन पूछा था, सारे इम्पोर्टेंट लेडीज इन्होंने इम्पोर्टेंट लेडीज लिख दी थी, तो आई थॉट कि सरोजिनी नायडू शायद रही होंगी इसके अंदर, एंड वो सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रही थी, 2, 3, 2, 4, तो मेरा तो ये गलत हो गया। आंसर इसका केवल 1 था। ठीक है, सो केवल थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करी गई थी, तो उस सेंस में केवल बेगम जहानारा शाहनवाज जो थी वो पार्टिसिपेंट थी उसके अंदर। ठीक है, सो ये वाला याद रख लेना। तो इतना निटिग्रिटी यार वैसे पूछता नहीं, बट हाँ ठीक है, वुमेन के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो ये बाकी चीजें भी देख लो। तो सरोजिनी नायडू पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नॉट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो गांधी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली। ठीक है, तो वहां पे उनको अकम्पेन किया था। एनी बेसेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी राउंड टेबल, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखने की बात है, क्योंकि जब तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब तक उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, वो 30s में थी एंड 1920s में हम लोग देखते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसमें से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ गांधी। ठीक है, तो सेकेंड वाला एलिमिनेट हो एनी बेसेंट को आप एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट विजय लक्ष्मी पंडित, तो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू होल्ड द कैबिनेट पोस्ट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया माइंड यू। सो इसके अलावा शी वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, एंड वॉज डेजिग्नेटेड मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, सो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, 47। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के एनवायरमेंट मूवमेंट से क्या कैसे अरेंज किया 47 को? सी किया मैंने, पहले तो ये वाला होगा ना, 4 वाला होगा ना, साइलेंट वैली वाला। हाँ करेक्ट। एक एक सेंस में आप ऐसे भी कह सकते थे कि सेव आर ए फॉरेस्ट जो है ये सबसे लेटेस्ट है, अभी मुंबई में चल रहा था। हाँ, तो सेकंड वाला सबसे लास्ट में आना था, उससे 2 में आपका वो बचता। ठीक है, तो सीक्वेंस देख लो, सेव साइलेंट वैली 1973 में है। ठीक है, तो ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिख रहा है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के पास एक गैप है, तो उस गैप का नाम बता सकते हैं क्या? देयर इज अ गैप दैट कनेक्ट्स केरला टू, अरे हाँ पालघाट बोलते हैं वैसे, पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट है, कोयम्बटूर से पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला का, उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट अपिको मूवमेंट 1983। ठीक है, तो ये कर्नाटका स्टेट के अंदर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था, सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट। सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पे है? करेक्ट, तो ये था, सेव आ रहे मुंबई में था तो ये पता ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो मिडिल क्लास का राइज क्यों हो रहा था इन 19 सेंचुरी, तो क्या मार्क किया 48 में? दिल्ली। हाँ करेक्ट है, दिल्ली। तो आई गेस सेकेंड वाला एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि जमींदार मनी लैंडर ऐसे कोई इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज तो नहीं बना रहे थे, वो सब पैसा छाप रहे थे भाई, जस्ट गिविंग लोन्स या डेट ट्रैप में फंसा रहे थे जमीन खरीद कर। तो ये चीज रखना, माइंड यू
टाइम पीरियड जो था 19th सेंचुरी था, तो उस टाइम वैसे ही कोई इंडस्ट्री नहीं थी, वो 1800s में कहाँ इंडस्ट्री थी, तो उस सेंस में एलिमिनेट कर सकते हो. नेक्स्ट 49th, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट के बारे में था, इम्पोर्टेंट है ये चीज. क्या मार्क किया? मैंने दिल्ली मार्क किया है क्योंकि दोनों ही चीज गलत है. ये यूएनएप निकालता है एंड ये कह रहा है कि नॉट मोर देन 25%, तो ये बहुत ही ज्यादा कम हो गया क्योंकि इतना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर दिया है तो दुनिया में, ये परसेंटेज बहुत ही कम लग रहा है. ठीक है, सो ये देख लेना, यूनेप ही करता है इसको. एंड द गैदरिंग स्टॉर्म था इस बार का थीम. ठीक है, ये चीज देख लेना रिपोर्ट का. एंड 79% ऑफ द कंट्री हैव अडॉप्टेड एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल अडॉप्शन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट, सो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50. सो एयर मास के ऊपर क्वेश्चन था. क्या मार्क किया 50 में? दिल्ली मार्क किया. सी आई ऑल्सो मार्क सी. हाँ बट सी इज इनकरेक्ट, सो आंसर देख लेते हैं एक बार. आंसर ए है. तो ये एयर मास पता ही है, यूजुअली बेस्ड अपॉन एयर फ्लो इन द अपर एटमॉस्फेयर. एज अ जेट स्ट्रीम चेंजेस इंटेंसिटी एंड पोजीशन, इट अफेक्ट्स द मोशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एयर मासेस. ठीक है, सो जहां पे भी ये कन्वर्ट्स करते हैं उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है फ्रंट का. एंड आर्टिक मास, एयर मास डिजाइनेटेड बाय लेटर ए आर वेरी कोल्ड एज दे ओरिजिनेट ओवर आर्टिक एंड एंटार्क्टिक. ठीक है, तो पोलर से समझ ही सकते हो कि वहां तो गर्मी कहां से आएगा, वार्म तो हो नहीं सकता, कोल्ड ही होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 वॉज इनकरेक्ट. सो देर आर टू ब्रॉड ओवर आर्चिंग डिविजन ऑफ एयर मास बेस्ड ऑन मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, सो कॉन्टिनेंट एयर मास जो है जनरली हम कह सकते हैं कि ड्राई ही होता है. ठीक है, क्योंकि वो लैंड के ऊपर बना है तो लैंड पे इतना मॉइस्चर आएगा ही नहीं उसके पास. ठीक है, ओशनिक या सी एयर मास होता तो फिर भी मॉइस्चर के पॉसिबिलिटी हाई होता, लेकिन कॉन्टिनेंट पे नहीं होता. ठीक है, सो यही था. सेकंड वाला क्यों गलत है यार, पोलर वाला ठंडा होगा ना. पोलर एयर मास आर कोल्डर एज दे ओरिजिनेट ओवर एंटार्क्टिक एंड एंटार्क्टिक रीजन, तो करेक्ट है. आंसर क्या सी है क्या इसका? बट आंसर इज ये ना. हां भाई, हां एक्चुअली वही. एक सेकंड दिखा, पोलर एयर मास डिजाइनेटेड आर नॉट एज कोल्ड एज. अच्छा ठीक है, इट इज बेसिकली उनको डिस्टिंग कर रहा है पोलर एयर मासेस को और आर्टिक एयर मासेस को. ठीक है, सो पोलर आर डिजिग्नेटेड बाय पी एंड आर नॉट एज कोल्ड एज आर्टिक एयर मासेस. ठीक है, आर्टिक और एंटार्क्टिक वाले ज्यादा ठंडे होते हैं, पोलर वाले उतने ठंडे नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं. यार ये तो फालतू ही बात कर रहे हैं, मतलब नहीं नहीं हमने पढ़ा है ना कि ज्यादा परमानेंट एयर मासेस कुछ रहते हैं ना, चार परमानेंट एयर मासेस, ये उसके बारे में बोल रहा था. ये आई गेस हाँ, ये फिगर देख लो. हाँ तो ये देख लो, ये आर्टिक वाला हो गया, नीचे वी हैव दिस आई गेस पोलर फ्रंट है. ठीक है, तो पोलर एयर मासेस जो है वो आर्टिक से थोड़ा नीचे है. ठीक है, ये सी पी एम पी ये सब दिया हुआ है, तो उस सेंस में सेकेंड वाला इन्होंने इनकरेक्ट किया हुआ है. ठीक है, कि पोलर मासेस आर नॉट एज कोल्ड एज आर्टिक और एंटार्क्टिक, तो उसमें डिस्टिंक्शन था शायद, हम लोगों ने सबको समझ में यही आया कि वो शायद एंटार्क्टिक और उसी की बात हो रही है, वो थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट. ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51. सो व्हाई डिड द नीड फॉर यूरोपियन टू इंडिया राइज, तो क्या मार्क किया 51 में इसमें? सिंपल क्वेश्चन था, रेनेसां थी तो वो चीज एक्सप्लोर करना चाहते थे. दूसरा, ऑटोमन एम्पायर ने जो रेड सी के रास्ते जो यूरोप के थ्रू ट्रेड होता था, रेड सी देन बियाना एंड फिर वो जो ट्रेड होता था उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेशन कर दिया था. ठीक है, तो वो भी एक रीजन था. फिर शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज इंप्रूव हो गई थी, तो वो भी रीजन करेक्ट है. फोर्थ, मेनी यूरोपियन नेशन वर कॉन्सेंट. ठीक है, तो सब में फाइट लगी हुई थी कि कौन सबसे सस्ता माल लेके आएगा, कौन फॉर्चून बनाएगा अपना, तो उस सेंस में सारे ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. CTSO के बारे में था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इनकरेक्ट मार्क करना था.
ठीक है, तो क्या मार्क किया 53rd में? सी होगा ना, यूक्रेन कहाँ से आया? एक सेकंड, चलिए एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन स्किप हो गया 52nd, उसको अभी देख लेते हैं। पहले ये 53rd बता दो क्या मार्क करा? सी। हाँ करेक्ट। तो यूक्रेन अगर इसका फाउंडिंग मेंबर होता तो नाटो ज्वाइन करने की बात ही नहीं आती ना, अगर नहीं भी पता होता तो एटलीस्ट इतना पता होता कि हाँ अगर इस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता तो नाटो की जो ज्वाइन करने की बात है वो आती ही नहीं कभी, और अभी ये जो लड़ाई हो रही है वो होती ही नहीं। ठीक है, सो उस सेंस में सीटीएसओ वाज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड एक म्यूचुअल ट्रीटी था जस्ट लाइक नेटो, ठीक है, कि अगर किसी एक स्टेट के अगेंस्ट कोई वॉर करता है तो इट मींस वॉर अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज कंट्रीज। ठीक है, तो पोस्ट सोवियत जो कंट्रीज थी यानी जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर से ब्रेक डाउन होकर जो बने थे, तो उसमें से 6 पोस्ट सोवियत स्टेट बिलोंगिंग टू कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, तो उसमें रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान साइंड द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी इन 1992। ठीक है, सो दिस वॉज रिफर टू एज ताशकंद पैक और ताशकंद ट्रीटी। ठीक है, सो याद रखना 3 अदर पोस्ट सोवियत स्टेट अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया साइन नेक्स्ट ईयर एंड द ट्रीटी टुक इफेक्ट इन 1994। तो यूक्रेन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सो ये याद रखना, बाकी सब स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो वैसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 रह गया। हाँ, तो 52 में क्या मार्क किया रेनफॉल वगैरह के बारे में था? बॉम्बे, दिल्ली किया था क्योंकि यार मैंने भी दिल्ली किया। थर्ड तो फालतू है ना, वो नो बेंचमार्क कैसे होगा, मतलब कि कुछ तो होगा ना अभी यार, मुझे ये पता नहीं। जनरली देयर इज नो बेंचमार्क राइट अर्बन वाटर सप्लाई। हाँ एक्चुअली आई आल्सो थॉट द सेम बट अपेरेंटली गलत आंसर लिखा हुआ है। एक सेकेंड, करेंटली देयर इज नो बेंचमार्क फॉर अर्बन वाटर सप्लाई प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया। हाँ तो ये तो सही है, इसने फालतू लॉजिक दिया है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 135 लीटर पर डे हैज बीन सजेस्टेड एज बेंचमार्क ऑफ वाटर सप्लाई फॉर रूरल एरिया, मिनिमम सर्विस मिनिमम डिलीवरी ऑफ 55 लीटर हैज बीन फिक्स्ड अंडर जल जीवन मिशन। ये तो हम जल जीवन मिशन के लिए पढ़ते हैं जो कि रूरल के लिए है। ठीक है, अर्बन के लिए एज सच हमने कभी कोई स्कीम ऐसा पढ़ा नहीं, बट ये लिख रहा है कि महुआ ने बेसिकली ये चीज दिया हुआ है कि 135 लीटर पर डे होना चाहिए, बट आई थॉट बेंचमार्क से मतलब शायद वाटर क्वालिटी से था। हाँ मुझे भी लगा यार, बट क्वालिटी वाला भी नहीं है यार, क्वालिटी वाला तो कुछ होगा ना कुछ तो यार। एक्चुअली जहां तक मेरे को याद आ रहा नहीं था ऐसा, एक बार कोई कंफर्म करना कि बेंचमार्क कोई है क्या, बिकॉज BIS स्टैंडर्ड जो है अभी वाटर के लिए वो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल के लिए है, ना कि म्यूनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर के लिए। नहीं तो बहुत सारे इंडिया के जो वो है ना वाटर सप्लाईज वो फेल हो जाएंगे, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज फेल हो जाएंगी। तो एक बार कोई ये फैक्ट प्लीज चेक कर लेते हैं। चलिए, इट इज सजेस्टेड एज अ सजेस्टेड थिंग ओनली, सो मे बी इट इज करेक्ट व्हाट दे हैड गिवन। हाँ तो अभी इस स्टेज पे अभी अपने पास टाइम है तो वो मे बी वाला पार्ट हटाते हैं, श्योरिटी वाला पार्ट लाते हैं, तो कोई एक बार चेक इसको जरूर कर लेना, कौन करेगा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अदरवाइज वो वाला सेइंग है ना एवरी वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाला चीज हो जाएगा। तो नवीन आप चेक करके बताना, ठीक है ये चीज। Alright, तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, डिफरेंट स्टैचूज के बारे में था तो अभी पॉपुलर है काफी, तो क्या मार्क किया 54 में? हाँ बी हुआ इसमें। हाँ अच्छा, बॉम्बे है के आई मार्क सी इसका, कैलकटा मार्क किया मैंने। आई आल्सो मार्क सी। ये इससे कहाँ से लिंक हो गया यार, तो कुछ और स्टैच्यू ऑफ अहिंसा। हाँ वो एक्चुअली उसमें था ना कि वो जैनिज्म से रिलेटेड है, तो बाहुबली का जो स्टैचू है तो आई थॉट अहिंसा होगा वो, बट अपेरेंटली ये गलत है। तो हाँ एक बार ये बता दो क्या क्या है, पहले का तो पटेल होगा ना, पटेल यूनिटी वाले तो पटेल है पता है ये तो।
इक्वलिटी वाला अभी ये भी हुआ है रामानुजाचार्य ने, यस अहिंसा वाला देख लो क्या है, मुझे नहीं पता, बुरी लग रही, बाहुबली नहीं होगा क्योंकि बाहुबली तो खुद वायलेंस में करता था, थोड़ा इसका इन्होंने दिया है ऋषभ नाथ। तो वो लिंक तो हाँ वो लिंक तो जैन ट्रेडिशन से है, बट बाहुबली नहीं है, वो ऋषभ नाथ से है। ठीक है, तो ये नासिक के अंदर स्टैचू है, द टॉलेस्ट जैन स्टैचू इन द वर्ल्ड, द ह्यूमंगस आइडल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मांगी तुंगी हिल्स इन तेहरागढ़ विलेज ऑफ बलगांव तहसील, तो महाराष्ट्र में, बस इतना याद रखना। बाकी श्री रामानुजाचार्य जो है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज करंट अफेयर्स में था, तो ये 216 फुट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रहेगा। एंड रामानुजाचार्य का फिलोसफी क्या था, व्हाट वाज हिज फिलोसफी, क्वालिफाइड मोनोइज्म, करेक्ट, विशिष्ट अद्वैता या क्वालिफाइड मोनोइज्म, तो वो पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये कौन से रीजन में लोकेटेड है, लाइक ये तो पता ही होगा सबको, गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नर्मदा रिवर, तो ठीक है, आई एम आस्किंग स्पेसिफिक रीजन, जैसे ये बोलते ना कि ये दिल्ली में है या सिटी में, कौन से में, केवड़िया, करेक्ट, केवड़िया है, तो वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट रामचंद्र वाला ये हैदराबाद में, ठीक है। एंड बाहुबली सॉरी स्टैचू ऑफ अहिंसा जो थी वो हमने देखी थी महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा बाहुबली का भी एक इम्पोर्टेंट स्टैचू है एक एक प्लेस पे, उसका क्या नाम है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक, हाँ करेक्ट, इट्स इन कर्नाटका, श्रावण बेनगोला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्या मार्क किया 55 में, बॉम्बे, बॉम्बे, अच्छा, सस्ते फॉर टेंपल्स नॉट फॉर ब्राह्मण्स, देवा देन, उनको तो राइट ना, कुछ और बोलते थे ना यार, अग्रहारा बोलते थे उनके लिए, ठीक है। तो अग्रहारा या मंगलम वर टैक्स फ्री लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, बट देवदाना वाज लैंड गिवन टू टेंपल्स एंड मोनेस्ट्रीज, तो उसमें चाहे ब्राह्मणा टेंपल्स को दियो या नॉन ब्राह्मणिकल टेंपल्स को दियो, दोनों के लिए देवदाना वर्ड इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट, द लैंड ग्रांट ब्रॉट फंडामेंटल चेंजेस इन द राइट टू लैंड, इन एंशियंट इंडिया किंग एंड फार्मर हैड द राइट ओवर लैंड, बट इन द मिडिवल पीरियड द इंटरमीडियरी राइट्स वर क्रिएटेड थ्रू लैंड ग्रांट्स, land grants destroyed community rights to the land and they transformed the community and the communal property into feudal property, okay, the individual right to land developed at the cost of communal agrarian rights, okay. So yeah, all right, then next pe chalte hain, ahmadiyya bhi bolte the, ha dono agar hara aur ahmadiyya dono bolte the, correct। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के बारे में क्वेश्चन था, क्या मार्क किया इसमें, सी की है, सी, हाँ कैलकटा वाज द राइट आंसर, आयरिस जो है ये अभी पीटी में हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। सो सो आयरिस स्मॉल विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट स्टेट, रेजिलियंट आइलैंड स्टेट इनिशिएटिव इज द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव अंडर सीडीआरआई, ठीक है। तो इसमें इंडिया और यूके ने मिलकर ये लॉन्च किया था, ठीक है। सो इट एम्स टू मेक द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट रेजिलिएंट अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव इसरो विल क्रिएट डेटा विंडोज फॉर एसआईडीएस, ठीक है। तो ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट था। अच्छा यार, तो मतलब देंगे या फिर ये सिर्फ वो देंगे गाइडलाइन वगैरह देंगे, क्या करेंगे मतलब इसमें, गाइडेंस भी दिया जाएगा एंड प्रॉब्ली शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प किया जाएगा इनको। नहीं जैसे जो सीडीआरआई है अपने उसमें तो शायद डेटा वगैरह ही दे रहे हैं ना, उसमें शायद फंड वंड नहीं दे रहे, इसमें फंड दे रहे हैं, आई थिंक इसमें शायद फंडिंग है क्योंकि इसमें इंडिया के अलावा और भी इंस्टीट्यूट और भी कंट्रीज है, लाइक इंडिया है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो ये सब कंट्रीज मिलकर हेल्प करेंगे, तो इतनी कंट्रीज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंडिंग होगा ही, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा।
बाकी मेरे ख्याल से इतनी कंट्रीज हैं तो फिर फंडिंग होगा ही, अदरवाइज सिंपली सीडीआरआई से ही दे सकते थे इन्फॉर्मेशन तो. ठीक है ओके नेक्स्ट पे चलते हैं. So, which of the following international organizations have provision for suspension or expulsion of membership of the countries from respective organization? So, इसमें क्या मार्क किया 57 में? C. हाँ, तो 1 and 2 मार्क किया. तो आंसर 57 का C ही है. तो SAARC को ऐसे eliminate कर सकते थे कि पाकिस्तान को अभी तक हम लोग निकाल नहीं पाए हैं. ठीक है. So थर्ड वाला एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी दोनों में हमें पता है कि हाँ इसमें प्रोसीजर होता है. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ यूएन चार्टर, यूएन जनरल असेंबली कैन एक्सपेल अ कंट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी. ठीक है, इफ द कंट्री वायलेट्स द नॉर्म्स ऑफ यूएन चार्टर. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 26 सब क्लॉज 2 ऑफ आईएमएफ एनविसेजेस सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबर कंट्री इफ इट फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ आईएमएफ आर्टिकल्स. ठीक है, नेक्स्ट 58 तो बेसिक साइंस क्वेश्चन था. क्या मार्क किया 58 में? दिल्ली बी. हाँ यार मैं 1 and 2. हाँ मैंने भी एक्चुअली डी कर दिया था, गलत है. तो आंसर पता होना चाहिए, बॉम्बे था इसका. टिंडाल इफेक्ट बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो वो चीज करेक्ट है. नेक्स्ट पेयर 2 जो था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन इज अ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन लेयर ऑफ अर्थ टू अनदर. तो जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं इट इज द बेसिकली द एग्जांपल ऑफ रिफ्रेक्शन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट पेयर 3 था लूमिंग इफेक्ट. तो लूमिंग इफेक्ट इन पोलर एरिया इज एन एग्जांपल ऑफ मिराज ऑप्टिकल फिनोमेना, नॉट डिस्पर्जन. ठीक है, डिस्पर्जन में तो वो कलर स्प्लिट हो जाते हैं, वो चीज होता है. सो मिराज इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, याद रखना. Whereas spitting of white light into several colors is known as dispersive medium. Okay. Rainbows का example. What is looming effect? यार वही होता है ना, जो जैसे हमको desert वगैरह में दिखता है, वैसे polar area में कुछ दिखता है ना, मतलब कि जो shining type हो कुछ ऐसा. I think ये वो शायद पोलर लाइट्स हम डिस्कस करते हैं ना, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस और ऑरोरा बोरियालिस, वो शायद उसके रिस्पेक्ट में है लूमिंग ऑफ लाइट. ओके वैसे आई वाज चेकिंग, तो लूमिंग ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन के थ्रू लिया है. जैसे मैं शेयर करता हूँ, ये इमेज विजिबल है क्या? यस. हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार रिफ्रेक्शन की वजह से सपोज ऐसा लगता है कि कोई शिप जो सामने से आ रहा है वो कुछ फुट हवा में तैर के आ रहा है, मतलब हवा में लगता है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्शन कि आपको जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होते हुए बेंड हो रही है. ठीक है, एंड वो बेंड होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो ऊपर है हवा में. ठीक है, तो वो लूमिंग ऑफ लाइट है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. 56 CBA के बारे में था, क्या मार्क किया? 59 बॉम्बे. ओके 59 आंसर जो था इट वाज बॉम्बे. ठीक है, तो CBI वाला एक्ट जो था वो एक्चुअली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो लोग स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1941. मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, आई थॉट इट वाज 46, बट ये 41 में भी था. ठीक है, वहीं पे इन्होंने गोल कर दिया इसको. ठीक है, बाकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBI वाज रिकमेंडेड बाय संतानम कमेटी. ठीक है, विच वॉज बेस्ड ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एंड उसी ने रिकमेंड किया था एंड फिर बना था ये. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ RTI. ठीक है, मतलब RTI विल प्रिवेल ओवर दीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इनको कि वो एग्जेम्प्टेड है ऐसा करके. ठीक है, एंड जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ये गिवन ही है. ठीक है, सो अंडर सेक्शन 6 ऑफ DPSC एक्ट द रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ SPI अंडर सेक्शन 5 एंड पुट्स कंडीशन ऑफ कंसेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इन एनी केस. ठीक है,
सो सीबीआई मस्ट मैंडेटरली टेक कंसेंट ऑफ द स्टेट बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसीडिंग. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ऑर्डर है तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं, वहां पे फिर उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट है. डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड 2-year tenure सिक्योरिटी थ्रू सीबीसी एक्ट. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं. यार जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है मैंडेटरी बोल रहा है, मैंडेटरी उस केस में जब स्टेट से लिंक कोई काम हो. अब मान लो कोई यूनियन का ऑफिसर है या यूनियन का कोई काम उस स्टेट में है, तो आई डोंट थिंक वहां पे इनकी परमिशन की जरूरत है ना. मतलब आप किसी स्टेट के अंदर जाके केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तब वहां पे आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप इफ यू बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है तो वहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसा अभी रिसेंटली हमने देखा था बंगाल के अंदर हुआ था, वेस्ट बंगाल में, कि एक कमिश्नर थे कैलकटा के, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलानी चाहिए थी शुरू में, बट इनिशियली गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने परमिशन. बाद में फिर वो हाई कोर्ट के या सॉरी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से आए थे, फिर उन्हें परमिशन मिला था ये चीज का. तो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन इसी स्टेटमेंट में हुआ, क्योंकि कोई ब्लैंकेट नहीं है. अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो वो फिर डायरेक्टली बिना कंसेंट की स्टेट के भी जा सकते हैं. तो वहां से मेरे को लग रहा था कि थर्ड ये गलत दिया हुआ, क्योंकि इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ब्लैंकेट है कि हर बार लेना जरूरी है. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड अगर कोई प्रोसीडिंग है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहां पे फिर उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आई थिंक थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को रीफ्रेम करते तो ज्यादा बेटर रहता. अभी इस सेंस में ये गलत भी हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता तो फिर वो बिना परमिशन के जा सकते हैं. हाफ स्टेटमेंट डाल दिया ना इसने. हाँ, वो आधा कर दिया इसने. एनीवेज ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में था क्या मार किया? हाँ, इधर तो बी हो. हाँ, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना था. तो 1 and 2 हो गया कि वॉलेंट्री ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, एंड प्रोवाइड्स फॉर फिक्स्ड टेन्योर ऑफ. ठीक है, सो इसका देख लेना. स्टेटमेंट जो 2 था वो इनकरेक्ट था. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन. इट इज रेगुलेटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेशन. ठीक है, बाकी तो आई थिंक सबको पता ही है कि 73 के अंदर आया था, मैंडेटरी था ना कि वॉलेंट्री था. एंड आर्टिकल 243 I ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ स्टेट इंश्योर्स लेइंग द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन ऑन द टेबल ऑफ लेजिस्लेचर. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 61, मोशंस के बारे में था पार्लियामेंट का. तो क्या मार्क किया 61 में? बी फॉर बॉम्बे. बॉम्बे 103 को G7 has no permanent secretariat, right? नहीं, हम लोग question number 61 में है, question about motions of parliament. Okay. तो 61 का answer 61 I marked B. Correct है, Bombay is the answer. Option 1 was dilatory motion. तो इस तो मोशन फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ अ डिबेट ऑन द बिल, मोशन रेजोल्यूशन एक्सेट्रा, और एनी और अ मोशन टू रिटार्ड और डिले द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस अंडर कंसिडरेशन. इट कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर एनी टाइम. इफ द स्पीकर ऑफ द इज ऑफ द ओपिनियन सच मोशन इज एन अब्यूज ऑफ पावर रूल्स ऑफ द हाउस, ही मे ईदर फॉरविथ पुट द क्वेश्चन देयर ऑन एंड डिक्लाइन टू प्रपोज द क्वेश्चन नेक्स्ट नो डे येट मोशन. तो ये तो सिंपल ही था, नाम से ही पता लग रहा क्या था कि कोई मोशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके लिए डिस्कशन के लिए कोई डेट नहीं दिया गया. नेक्स्ट पेयर 3 वाज इनकरेक्ट. सब्स्टिट्यूट मोशन इज द मोशन दैट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में दे प्रॉब्ली रोट कि एडजॉर्नमेंट के लिए, तो एडजॉर्नमेंट के लिए नहीं था, ये गलत था. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल इफ अडॉप्टेड इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन. ठीक है, नेक्स्ट 4th था सब्सिडरी मोशन. The subsidiary motion is the motion that itself by has no meaning and cannot state the decision of how without the reference of original proceeding. Okay. So it can further be divided into 3 subcategories: ancillary, superseding, and amendment. So ancillary pata hai, regular way of dealing with the various kind of business. Superseding matlab it would supersede the debate that is going on that issue. An amendment, if it wants to change certain part of that original motion, then we can move the amendment motion. Okay, so yeah.
नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज था, बताना था इसके बेसिस पे क्या था। ये द परसेंटेज ऑफ इफ द इनकम इंक्रीजेस देयर एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड ऑन फूड बट एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम्स इंक्रीजेस। तो क्या मार्क किया 62 में? बॉम्बे क्या है, ये बाकी तीनों पता थे, यही नहीं पता है, तो यही होगा। हाँ करेक्ट, तो सही बोला कि बाकी सब पता नहीं थे तो प्रॉब्लली यही हो रहा था। तो ये एंगल्स लॉ था, ठीक है, जर्मन स्टैटिस्टिशियन इन्होंने दिया था। तो बाकी जो स्टेटमेंट है वही इसका आंसर है, तो ऐसे सर से देखने की जरूरत है नहीं इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो यू कैरियोटिक एनिमल्स पे था, पार्थेनोजेनेसिस टेक्निक पूछा हुआ था, तो क्या मार्क किया इसमें? हाँ, एक ही है इसमें। हाँ करेक्ट। तो ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन मतलब एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। तो ये याद रखना, तो सिंपल ये इसमें तो कोई एनिमल बता सकते हो क्या जो ये पार्थेनोजेनेसिस करता है? एंड कौन सा? ठीक है, बीज एंड चींटी, बीज। हाँ मतलब उसमें देख लेना, उनको दो पार्टनर्स की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला खुद ही कर सकता है, ठीक है, यही बेसिकली है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 विद रेफरेंस टू G20। तो क्या मार्क किया 64 में? बी हाँ करेक्ट, बॉम्बे था। इट वाज नॉट क्रिएटेड आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। तो कब बना था ये? 1998 में बना था ना, समथिंग 97 की क्राइसिस के बाद ना। 97 का जो क्राइसिस है उसको क्या बोलते थे? सब प्राइम वो तो 2008 का था सब प्राइम, तो एशियन टाइगर वाला क्या? अच्छा एशियन हाँ 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 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो उस टाइम ये बन गया था G20, बट उस टाइम जो करंट फॉर्म है उसमें नहीं था। उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे कंट्रीज के वो पार्टिसिपेट करते थे, बट इट वाज रेज्ड टू द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्टेट लेवल आफ्टर 2008 क्राइसिस, ठीक है। सो ये याद रखना, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 65 आईपीआर से रिलेटेड था, क्या मार्क किया? इसमें किया है ए 65 का ए, हाँ ए राइट है। तो आई थिंक फोर्थ वाले को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि देयर इज नो चांस कि हम चाइना से ज्यादा पेटेंट ला रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाता। एंड बाकी सब करेक्ट थे। सेक्शन 3J ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट बेसिकली सेज अ सीड और प्लांट और बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड और प्लांट कैन नॉट बी पेटेंटेड। तो इनके अंडर प्रोटेक्शन किसी और राइट के थ्रू मिलती है क्या, या मिलती ही नहीं है बिल्कुल? अरे वो प्लांट वैरायटी वाला एक्ट है ना, 2001 वाला, शायद उसमें है कुछ। हाँ करेक्ट, PPVRFR एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, उसके अंडर मिलता है, ठीक है, पेटेंट नहीं है। नेक्स्ट DPIIT विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस लॉज रिलेटेड टू आईपीआर, ठीक है। बाकी सब अपने को पता ही है। एक एजेंसी भी है ना इसके लिए जो कि ये ग्रांट करती है आईपीआर, उस एजेंसी का नाम पता है क्या किसी को? GEAC वाला है क्या, इंजीनियरिंग अप्रेजल? अरे नहीं, वो तो केवल प्लांट वैरायटी जो कि जेनेटिकली इंजीनियर है उनको अप्रूवल के लिए है, जो राइट है देने के वो एक सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट सीपम करके है, तो याद सीपम। रखना। हाँ DPIIT के अंदर ही है और उसका नाम सीपम है, ठीक है, विच इज सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये था, नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा हाँ स्टेटमेंट देखो, बोलिए। कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ये करेक्ट है, इसको देख लेना ना, थोड़ा अलग सा ट्रेंड है ये। हाँ मतलब ये तो चीज सही मान सकते हैं ना, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां भी रिसर्च में आ रही है, तो इस सेंस में ये तो समझ सकते हैं कि पेटेंट तो हर साल बढ़ेंगे। पेटेंट तो नहीं अब ऐसा तो होने नहीं वाला कि कोविड की वजह से लोग पढ़ना बंद कर दिए, रिसर्च करना बंद कर दिए, वो चीज नहीं होने वाला, वो तो कॉन्टिन्यूस रहेगा। वहां पे आप इकोनॉमी वाले ट्रेंड से नहीं जाओगे, यहाँ पे तो आप लगा सकते हो कि हाँ वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर सकता है। ये देख लो ट्रेंड लाइन भी देख लो, 15 से 60, 15 से पूरा
थिंक शायद एक साल ब्रेक हुआ ये 16-17 में ब्रेक हुआ है। तो 5 साल नहीं कौन सा क्या करता नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, वो फाइलिंग अलग है और ग्रांट अलग है। ठीक है, तो ग्रांट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है कि जिनको आईपी पेटेंट्स इश्यू हुए वो कंटिन्यूसली इंक्रीज किया हुआ है। फाइलिंग वाले में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, बाकी फाइलिंग में थोड़ा गड़बड़ था, बाकी जो ग्रांट है वो एक्चुअली इंक्रीज ही गया है कंसिस्टेंटली। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो ये वॉल्केनोज के बारे में था, अभी रिसेंटली इनमें से काफी सारे न्यूज में थे। क्या मार्क किया 66 का? सी नहीं तो 66 का आंसर एक्चुअली वो कैलकटा ओनली। ठीक है, हुआंगा हुंगा टोंगा, तो ये एक अंडर वाटर वॉल्केनो है साउथ वेस्ट पैसिफिक में। ठीक है, तो दिख रहा है क्या? हाँ ये देख लो, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न फ्रंटियर पे है। ठीक है, हुंगा टोंगा वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट माउंट सिनाबोंग, तो ये तो हमने कई बार सुना है, कई बार फटा है इनफैक्ट। तो ये नॉर्थ सुमात्रा में है, इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट माउंट निरिया गोंगो, तो ये अभी हमने शायद पीटी में ही डिस्कस किया था, माउंट निरिया गोंगो। तो ये जो डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, सो ये जो याद रखना। नेक्स्ट वॉल्केनोज ऑफ अलास्का, तो ये सिटकिन जो है, ये जो स्ट्रेच है आइलैंड का, यूएस का एलुशियन आइलैंड, तो उसके अंदर ये ब्लास्ट किया था। ठीक है, ठीक है ना, अलास्का वाला एलुशियन आइलैंड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो दिस वॉज रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ कमीशन, तो क्या वहां किया इसमें? दोनों सही लग रहे सी करेक्ट, दोनों सही था, तो ये आंसर करेक्ट ही है। सिंपल ही था, नहीं भी पता था तो इसको देख के पता लग ही रहा था ये। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएनजीए। ठीक है, ताकि एक इंटरनेशनल लेवल पे लॉ कैसा होना चाहिए उसके रिगार्डिंग ये मॉडल हम लोग बना सकें। ठीक है, सो इट शैल कंसिस्ट ऑफ 34 मेंबर्स हु शैल बी पर्सन ऑफ रिकॉग्नाइज कॉम्पिटेंस इन इंटरनेशनल लॉ। दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो अभी प्रोफेसर बिमल पटेल वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 5 ईयर टर्म्स। ठीक है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो ये डिफरेंट लाइन्स के बारे में था, सिंपली क्वेश्चन था। क्या मार्क है 68 में? मैंने गलत कर दिया है सी के आई मार्क द सी बट हाँ सी कैसे मार्क कर दिया नहीं। यार मुझे कि पाकिस्तान में सिर्फ बांग्लादेश नहीं है उनका अलग होगा नहीं बांग्लादेश का वो पोस्टिंग पाए कि जब डिमार्केट हुआ तो वो उसके साथ पाकिस्तान उस टाइम पे मुझे लगा फिर ये जो रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हुआ आज वाले की बात कर रहा है ना मुझे ये लगा तो इसलिए मैं सीख गया वो ध्यान ही नहीं दिया कि बांग्लादेश का उसका पार्ट था तो हाँ। तो मैकमोहन लाइन, तो ये तो सबको ही पता है, जो तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो उस चीज है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो ब्रिटिश और इंडिया जो था उसको सेपरेट करता था, तो उस सेंस में। और ड्यूरेंड लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, वो द हिल। सीज करेक्ट आई मीन ड्यूरेंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान बट रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान ना एंड पाकिस्तान हाँ तो मतलब इन लोगों ने बांग्लादेश बोला है वो भी सही है मतलब इनडायरेक्टली सही है पाकिस्तान मैं बांग्लादेश के साथ था लेकिन ड्यूरेंड लाइन तो पाकिस्तान और नो अफगानिस्तान के बीच में ना। नो नहीं ड्यूरेंड लाइन इंडिया और मैं ऐसा है, पीओ को भी सॉरी अपने में ही गिन लिया। हाँ हमारा पार्ट था ना वी डिड नॉट हैव पाकिस्तान व्हेन ड्यूरेंड लाइन वाज ड्रॉन हाँ, लेकिन अभी तो ड्यूरेंड लाइन पाकिस्तान के साथ ही बोलते हैं ना। अच्छा या एनीवेज, अच्छा फंसा दिया। ये सवाल गलत नहीं हो रहा था लेकिन सबका गलत हुआ हाँ मतलब किसी ने बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में किया, किसी ने इंडिया अफगानिस्तान के रेस्पेक्ट में किया सही है, मतलब फंसा दिया इसने सबको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो ये एक डियर के बारे में बात हो रही थी, मणिपुर में है। ठीक
ठीक है 1838 में, और IUCN एंडेंजर्ड है और भी जगह मिलता है, तो क्या हम आके 69 में? करेक्ट, चेन्नई। तो ये इलिमिनेशन से होने वाला था, ये डायरेक्टली तो बहुत कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन इलिमिनेट करके इजीली फिगर आउट कर सकते थे, क्योंकि ये बाकी सब तो अपने को पता, टाइगर लॉयन वगैरह वहां पे है नहीं। ठीक है, यही है एल्स डियर, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वो नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं है, वो एंडमिक है, सांगाई जो डियर था वो एंडमिक था, ये और भी जगह मिल रहा है। वो सिर्फ वहीं पे एंडेमिक है मणिपुर में, गलम गांव में, केवल मणिपुर में, और वो भी कैबुल लैमजाओ के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सो एल नीनो और लालीना के बारे में था। ठीक है, क्या मार्क किया 70 में? ए ए, हाँ, तो सिंपल ही था। एल नीनो में हमें पता है सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक यानी पेरू के आसपास जो है वो वाटर हीट हो जाता है, लानीना में वहां पे ड्रॉट आ जाता है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, और इंडियन ओशन में अगर डाइपोल पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ पे मॉनसून फेवरेबल होगा, तो थर्ड को इलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो उस सेंस में आंसर इसका केवल ए होना था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सो ग्रेविटेशनल सॉरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे क्वेश्चन था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या मार्क है 71 में? हाँ, डेली मार्क किया ना, तो डेली करेक्ट है। तो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग सब चीज पढ़ते हैं ये सारी। ठीक है, कि स्पेस एंड टाइम जो है वो कैसे बेंड हो सकता है, कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उसी के थ्रू हमने एक्सप्लेन की थी। लीगो एक्सपेरिमेंट उसका जीता जाता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, एंड ग्रेविटी फ्रॉम ह्यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स कैन कर्व द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड कैन कॉज लाइट टू बेंड। ठीक है, तो वो चीज था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, लेटराइट सॉइल के बारे में था, क्या मार्क किया? बॉम्बे, ये मैंने बॉम्बे किया, नहीं मैंने कैलिफोर्निया था, सी आंसर इसका सी था। तो लेटराइट ये पता ही है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल होता है जिसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच आउट कर जाते हैं। सो स्टेटमेंट टू वाज इनकरेक्ट, पुअर ऑर्गेनिक कंटेंट इन लेटराइट सॉल डज नॉट मेक देम सुटेबल फॉर बिल्डिंग मटेरियल, रादर दे एग्जिबिट प्रॉपर्टी दैट दीज सॉइल्स कैन इजिली कट इन टू केक्स बट कैन हार्डन लाइक रॉक वेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर वाइडली कट एज ब्रिक फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। ये क्या चीज करा यार इसने, क्या बोल दिया? मतलब वो बोल रहा है कि बिल्डिंग मटेरियल का अच्छा नहीं होता लेकिन इससे ईंट जरूर बना सकते हैं। मतलब मैंने इसलिए एलिमिनेट किया, बिल्डिंग मटेरियल हम यही सोचते हैं ना, मतलब जो वो कंकड़ वो सब रहता है, कॉन्वेक्स सॉइल्स, तो इसलिए मैंने सेकंड एलिमिनेट किया। एंड मैंने आई थॉट पुअर, हाँ पुअर ऑर्गेनिक मैटर पे मेरे को लगा कि हाँ ये चीज तो होती है, पुअर ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो बाकी फिर वो एंसिलरी स्टेटमेंट में मैंने ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी ये थोड़ा ऑक्सीमोरोनिक है कि एक जगह तो ये बोल रहा है कि सुटेबल नहीं है बिल्डिंग मटेरियल के लिए, दूसरी जगह बोल रहा है कि ब्रिक्स बना सकते हो। वही लगा, इफ इट इज हाई रेनफॉल, इफ इट इज हाई रेनफॉल इट इट हैज ऑर्गेनिक कंटेंट राइट, आई मीन हाई रेनफॉल में ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज हाई रेनफॉल मीन्स हाई मॉइस्चर विच मीन्स हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड देयर बाय ऑर्गेनिक कंटेंट शुड नॉट बी प्रेजेंट, क्योंकि माइक्रोब जो है उसको इजिली डिकम्पोज कर देंगे। दैट्स वाई इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इफ यू सी ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम होता है उधर, बिकॉज हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर की वजह से एक्टिविटीज होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड वेयर इज इन द टेम्परेट या अपर लैटिट्यूडनल एरियाज यू विल फाइंड कि ऑर्गेनिक कंटेंट उनमें ह्यूमस डिकम्पोज ही नहीं होता, तो ऑर्गेनिक कंटेंट खूब होता है उसमें। मुझे लग रहा है वही बिल्डिंग मटेरियल वाला है ना, वो सीमेंट वगैरह बजरे को कंसीडर कर रहा है, इट को नहीं मान रहा। हाँ करेक्ट, थोड़ा लेकिन इसका यूट ईट बनाने में हो रहा है। और वो फर्दर ईट कहाँ यूज हो रहा है? वो तो कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। सर में मारने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो माफ कर दो इनको इसके लिए, बस ये याद रखना पुअर होता है ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। कैश्यू नट वाला पॉइंट याद रखना, कैश्यू नट वाला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ड्राई आइस के बारे में था, तो क्या मार्क किया 73rd में? सी 73rd। ये एक्चुअली लिक्विड नाइट्रोजन नहीं होता ना, ये तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वन को एलिमिनेट कर सकते थे एंड बाकी सारे ऑप्शन जो थे वो करेक्ट ही थे इसके। ठीक है, तो आंसर इसका सी होना था, तो बस ये याद रखना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही आना था इसके अंदर और कुछ नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कैग के बारे में था, तो क्या मार्क किया 74 में? क्या मार्क किया? डी किया यार, बस गलत हो गया। मैंने भी डी किया यार, गलत हो गया। एक बार आंसर देख लेते हैं, तो 74 का आंसर सी था। द कैग सबमिट थ्री रिपोर्ट, थ्री ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु लेज देम इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये तीन अकाउंट है। फिर स्टेटमेंट सेकंड जो था वो इनकरेक्ट था। द कैग कैन ऑल्सो कंडक्ट प्रॉपर्टी ऑडिट, दैट इज ही कैन लुक इन टू द विजडम फेथफुलनेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कमेंट ऑन द वेस्टफुलनेस इन एक्स्ट्रावेगेंस। तो स्टेटमेंट टू क्या था? अच्छा, ऑब्लिगेट। तो ये आई थिंक ये स्टेटमेंट ही थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, इस चक्कर में शायद थोड़ा फंस गए। नहीं नहीं, ये गलती है ना, वन जो सही है, ये देखो ना, वन सही बोल रहा है, वो वन गलत बोल रहा है ना, वन करता है ना वो वाला, तो पहले वाला तो द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन फाइनेंस अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद एक्सपेंड। नहीं, अच्छा ये फाइनेंस वाले हिसाब से बोल रहे ना, तो ये एक्चुअली अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, वो कंपेयर करता है एक्सपेंडिचर विद एक्सपेंडिचर सैंक्शन। ठीक है, सो हमने उसको थोड़ा ध्यान दिया नहीं, हम लोग फाइनेंस को ये चीज समझ गए। फाइनेंस में हम बस एनुअल रिसीट और डिसबर्समेंट देखते हैं, ठीक है, कितना पैसा आया एंड कितना पैसा गया। अप्रोप्रिएशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो एक्चुअली सैंक्शन किया गया था पैसा उस मिनिस्ट्री को, वो उसने उस हिसाब से यूज किया कि नहीं किया। तो उस सेंस में फर्स्ट इनकरेक्ट था। बोले डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज करते हैं ये चीज। नहीं, ये तो अलग है ना, डिपार्टमेंटल कमिटी, डिपार्टमेंटल कमिटी तो स्क्रूटिनाइज करता है कि हाँ जो चीज के लिए पैसा मांग रहे क्या वो जायज है, तो उसके ऊपर वो रिपोर्ट होती है। ठीक है, वो उस पे नहीं होता कि वो पैसा, क्योंकि ये तो बाद का प्रोसीजर है। जब पैसा इश्यू हो गया, 100 crore वर इश्यू टू द मिनिस्ट्री, तो क्या उसने वो 100 crore उसी चीज के लिए इश्यू कर दिया या फिर किसी और चीज के लिए पैसा खर्च कर दिया, तो ये काम कैग करते हैं वहां पर। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिगार्डिंग में था और फाइनेंस वॉज रिगार्डिंग एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो बताइए जितने भी PSUs हैं उनके अंडरटेक उनको चेक करना। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट था, क्योंकि कैग जो है प्रॉपर्टी ऑडिट कर सकता है जहां पे वो वेस्टफुलनेस विजडम और इन सब कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड पब्लिक कॉर्पोरेशन इज लिमिटेड, द रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग द गवर्नमेंट कंपनीज इज ऑल्सो लिमिटेड। ठीक है, सो ये सीन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो ये अभी साइंटिस्ट वगैरह थे उनके बारे में था, आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में। क्या मार्क किया 75 का? बहुत बढ़िया, करेक्ट, सी आंसर है। तो नागार्जुन ने बेसिकली क्या डिस्कवर किया था या क्या कंट्रीब्यूशन था उनका, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। मुझे लगा एल्केमिस्ट थे तो मेडिसिन होगा। एल्केमिस्ट वो मेटल के लिए थे, ठीक है, तो नागार्जुन नहीं थे मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो 1, 2, 3 आंसर। बोधियाना याद रखना, पाई का वैल्यू जो था उन्होंने दिया था एंड कर्नार्ड वाज अ 6th सेंचुरी साइंटिस्ट ऑफ विशेषिका स्कूल। विशेषिका स्कूल जो कहता था एटॉमिक थ्योरी के अंदर विश्वास रखते हैं तो वो था। एंड शुश्रुत जो थे वो अपने को पता ही है कि वो द पायनियर ऑफ फील्ड ऑफ सर्जरी, तो प्लास्टिक को प्लास्टिक सर्जरी का ऐसा अभी वाले प्रेजेंट टाइम से कंफ्यूज नहीं करना, ये प्लास्टिक सर्जरी का मतलब राइनोप्लास्टी करते थे, मतलब नाक की सर्जरी करते थे। ठीक है,
सो ये था इसमें. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, बॉर्न कन्वेंशन के बारे में था, क्या मार्क किया 76? ए किया, आंसर डी है, आगरा. मैंने बी किया था लेकिन फिर भी गलत हो गया. आंसर इसका डी था. मैं इसको UNFCCC पढ़ गया था. तो ये देख लो, दिस गेम बॉर्न कन्वेंशन केम वेरी अर्लियर देन UNFCCC. हां दैट्स व्हाई आई मार्क दिस रॉन्ग. आई मार्क दिस रॉन्ग क्योंकि मेरे को लगा ये UNFCCC की बात हो रही है, तो अदरवाइज मैं 2 and 3 का तो कर लिया था फिगर आउट. ठीक है तो ये याद रखना, इट इज द एनवायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजेस ऑफ UNEP. ठीक है, एंड इज द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज. ठीक है, द पैक्ट केम इनटू फोर्स इन 1979, सॉरी वाज साइंड इन 1979 इन जर्मनी एज नोन एंड इज नोन एज बॉर्न कन्वेंशन. ठीक है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट था, बस एक ओनली इंसेक्ट मोनार्क बटरफ्लाई है जो कि इस इसका पार्ट है. ठीक है, और इसमें दो अपेंडिसेस होती हैं. अपेंडिस 1 इज रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड एंड अपेंडिसेस 2 फॉर ऑल अदर स्पीशीज. ये था. नेक्स्ट 77 पे चलते हैं, परगना वैली. तो किसने मार्क किया गया इसको? तो आई थिंक तो आंसर देख लो, ए है इसका आंसर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान. ठीक है, आई गेस फिगर में भी है शायद. उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है एंड किर्गिस्तान है. ठीक है, तो ये कंट्रीज का बेसिकली यूनियन का ये आंसर था 77. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, थंडरस्टॉर्म इन बंगाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, क्या मार्क किया इसमें? करेक्ट, नॉर्वेस्टर था. जनरली बारदोली छीरा नाम से बोला जाता है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए नॉर्वेस्टर को जानबूझ के इस्तेमाल करते हैं. नॉर्वेस्टर डालो इन बच्चों को कंफ्यूज करो तो ऐसा लगता है कि बाहर का कोई नाम होगा, लेकिन ये काल बैसाखी थी क्या या जो बारदोली छीरा है उसके लिए नाम इस्तेमाल होता है. तो याद रखना मैंगो शावर और ब्लॉसम शावर जो है ये केरला में और कर्नाटका में लोकली इनको बोलते हैं क्योंकि इनके बाद फ्रूट्स की राइपनिंग अच्छी हो जाती है. तो ये था. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, तो इनमें से कौन सा 5 यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन आउटर स्पेस का पार्ट नहीं थी, क्या मार्क किया 79 में? बॉम्बे. तो आंसर बॉम्बे था इसका. पता था या कुछ ऐसा ट्रिक लगाया? सर वैसे ही गट फीलिंग से लग रहा था, बाकी 3 तो लग रहे थे कि होना चाहिए, ये थोड़ा फालतू लग रहा था ना. ये लायबिलिटी कन्वेंशन तो हमने देखा है ना कि जो भी स्पेस डेब्रीज होंगे उनके लायबिलिटी होनी चाहिए कंट्रीज के पास, और मून अग्रीमेंट भी कि मून से जितने भी रिसोर्सेज या फिर भी रिसर्च होगा वो सबके लिए ही वो मतलब बेनिफिट शेयरिंग टाइप का. और जितना भी लो ऑर्बिट में गिराते हैं ना इसलिए गिराते हैं क्योंकि ट्रीटी नहीं है शायद उसके लिए, इसलिए ये सोचा मैंने तो. राइट, बाकी देख लेना रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्च इन आउटर स्पेस, द मून एग्रीमेंट गवर्निंग ऑल एक्टिविटी ऑफ मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. सो मून में ऐसा नहीं सिर्फ मून के बारे में बात हो रही है, और सेलेस्टियल बॉडीज भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ऐसे आगे का भी पूछ सकता है. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. अभी वैसे किसी को करंट अफेयर्स में याद है कि यूएस भी शायद कोई मून एग्रीमेंट को कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा था, अभी उसका आर्टेमिस प्रोग्राम चलेगा तो उस सेंस में एस्ट्रोनॉट लॉन्च करने वाला था, किसी को आइडिया है कि क्या डिस्कस हो रहा था उसमें? ठीक है बाद में देख लेंगे उसको. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, फिफ्थ कौन सा था इसमें? 4 तो हो गया रजिस्ट्रेशन वाला, फिफ्थ कौन सा है? मून था ना लास्ट. 3 तो ऑप्शन में हो गए, एक रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन हो गया, लास्ट वाला कौन सा है? रेस्क्यू एग्रीमेंट. ओके, कोई एस्ट्रोनॉट फंस गया तो उसको रेस्क्यू करने का भी एक ट्रीटी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कॉन्टिनेंट के स्लोप के बारे में था, क्या वहां किया बॉम्बे इज द आंसर। ठीक है, तो स्टीप ग्रेडियंट स्लोप नहीं होता उसके लिए, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है जिसका स्टीप ग्रेडियंट होता है। फिगर दिया गया यहाँ पे, हाँ तो ये देख लो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो इसमें जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए बहुत स्टीप ग्रेडियंट नहीं होता। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंट स्लोप, तो इसका जो एंगल होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसको स्टीप बोल सकते हैं, एकदम खड़ा है। ठीक है, और फिर एक कॉन्टिनेंटल राइज आता है कि थोड़ा सा जो डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं, तो यही है। बाकी एबिसल प्लेन है नीचे, एंड ये पूरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज, ये सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला एक फैक्चुअल पॉइंट था कि जितने भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं ये अच्छे फिशिंग ग्राउंड होते हैं। ठीक है, सो ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यूफाउंडलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर वन सच एग्जांपल। लीगल डेफिनेशन जो है वो यूएन क्लॉज देता है इसकी, ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81 हॉर्टिकल्चर के बारे में, जाके मार्क किया बॉम्बे। इसका आंसर बॉम्बे, बॉम्बे है। आई गेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि इन्होंने सरपास कर लिया था, हाँ सरपास कर लिया था सीरियल प्रोडक्शन को, तो उस सेंस में ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमने ये चीज पढ़ा, एंड यूपी हैज द लार्जेस्ट शेयर। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है, इसका आंसर यूपी होगा। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट यूज करेक्ट के टमाटो और इन्होंने जो है इंक्रीज देखा है, सो वन एंड टू को इलिमिनेट कर देते तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता। अभी रिसेंटली करा है ना हम लोगों ने सीरियल प्रोडक्शन को ओवरकम कर लिया ना, तो वो अपने आप में एक लैंडमार्क है इस सेंस में शायद पूछा ये, क्योंकि ये चीज न्यूज में था कि ये सीरियल प्रोडक्शन से ऊपर निकल गया हॉर्टिकल्चर, तो वो थोड़ा सा वो है कि इम्पोर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो एनसीपीसीआर के बारे में था, क्या मार्क किया 82 में? सी किया इधर, सी कलकत्ता 1 in 3, हाँ करेक्ट है कलकत्ता इसमें, तो 82 का सी था। एनसीपीसीआर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, एंड एनी पर्सन हु इज पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है ये केसेस पे। तो यही इम्पोर्टेंट है, ट्विटर वगैरह करते हो तो यू मस्ट हैव सीन दिस नेम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन आज करेक्ट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट जज इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो क्या मार्क किया 83 में? बॉम्बे, बॉम्बे, हाँ बॉम्बे करेक्ट है, तो सिंपल था, बाकी सब तो पॉइंट्स पता ही थे कि गलत है। सो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो बेसिकली हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी था डिस्ट्रिक्ट में, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, सो उसके पास ओरिजिनल अपीलेट जुडिडिक्शन दोनों केसेस में होती है, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। बस थोड़ा नाम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, जब क्रिमिनल मैटर्स को सुन रहे होते हैं तो सेशन जज बोलते हैं, एंड वैसे सिविल मैटर्स में केवल डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 233 लेज डाउन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल जज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजेस बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, तो अपना कोर्ट होता है तो उस कोर्ट में उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी रहती है कि कैसे वो फंक्शन करे। नेक्स्ट, 233 एंड 233 एंड 236 मेंशन अबाउट डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये था इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कार्बन लीकेज। आई थिंक ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेड है, पूछा हुआ है शायद इसी टेस्ट सीरीज में या मे बी और किसी टेस्ट सीरीज में, नहीं पिछले बार ही तो पूछा, हाँ लास्ट टेस्ट सीरीज में रिपीट था करेक्ट। तो ये सिंपल ही है, सबको पता ही होगा क्या मार्क किया इसमें, हाँ करेक्ट ये आंसर था, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली मतलब यही था कि आप
जो कंस्ट्रेंट है आपकी कंट्री में ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन, तो आप उससे बचने के लिए आप बाहर से वो चीजें प्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है, तो बाईपास कर रहे हो आप जो नॉर्म्स है आपके कंट्री में, एंड उससे किसी ऐसी कंट्री से प्रोड्यूस करा रहे हो जहां पे उतने स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स नहीं है इसके रिगार्डिंग, कार्बन फुटप्रिंट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में था, क्या मार्क किया 85 में? इसमें किया है ए, ए। अच्छा, तो 85 का ए आंसर करेक्ट है। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर, ठीक है, इट ओनली प्रोवाइड्स बाय लॉ दैट सुप्रीम पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ बॉडी एंड देयर बाय डिनाई सुप्रीम कोर्ट द पावर टू बेसिकली इंटरफेयर इन दोज केसेस, ठीक है, तो डायरेक्टली ये मेंशन नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट लॉ बना देगा तो फिर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट सेकेंड सही था, एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट विद वॉटर, तो वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट थ्री, तो द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड टू लॉज, द रिवर बोर्ड एक्ट एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, तो रिवर बोर्ड एक्ट एज प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर, तो ये याद रखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट फोर था इनकरेक्ट था, द गवर्नमेंट हैज नॉट येट सेट अप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी एज अ परमानेंट ट्राइब्यूनल फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ऑल रिवर वाटर डिस्प्यूट, हाउएवर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल 2019 प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ स्टेट पुट्स अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एनी वाटर डिस्प्यूट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी डीआरसी टू रिजोल्व द डिस्प्यूट एमिकेबली, ठीक है, तो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, डिस्प्यूट इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 था, 86 वाज अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या मार्क किया? एक आगरा, तो ये सिंपल ही था, प्रोविडेंट फंड तो है वो बेसिकली गवर्नमेंट की संपत्ति थोड़ी होती है, तो वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है, तो थर्ड इलिमिनेट कर सकते थे, रेमिटेंसेस अगेन इलिमिनेट कर सकते हो, वो सीधा लोगों के पास जाता है, ठीक है, सो थ्री एंड फोर इजिली इलिमिनेट हो जाता है एंड देन यू वुड हैव लेफ्ट विद वन एंड टू, ठीक है, तो ये था आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, 87, क्या मार्क किया? सी फोर चेन्नई, चेन्नई 1 2 3, ठीक है, राइट है, हाँ 87 का सी है, ठीक है, सो कोऑपरेटिव्स के ऊपर अब रिसेंटली आरबीआई ने अपना ज्यूरिडिक्शन के अंदर ले लिया, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कमर्शियल एंड कमर्शियल बैंक में बोरोवर्स और शेयर होल्डर में डिस्टिंक्शन होता है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में दोनों बोरोवर्स और डिपॉजिटर दोनों शेयर होल्डर बन सकते हैं, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन रेज कैपिटल थ्रू थ्री ब्रॉड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो सिंपल ही था ये वाला। तो नेक्स्ट, बेसिल नॉर्म जो है वो इनको फॉलो करने होते हैं, ठीक है, चाहे स्केड्यूल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रीजनल रूरल बैंक हो, सभी पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एनडीबी, किसी ने अटेम्प्ट किया था ये? मैंने हाँ, ये किया था, सी होगा, सी चेन्नई, वन टू थ्री फोर, ये चार हाँ, कंट्री तो भी बने, मालदीव वालदीव नहीं है इसमें, याद रख लेना इनको। हाँ, मुझे उरुग्वे और इजिप्ट नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि मालदीव नहीं है शायद, और बांग्लादेश यूएई है तो से। और ये याद रखना, यूएन की जितने भी मेंबर स्टेट है वो इसका पार्ट बन सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स नेशन का जो शेयर होल्डिंग है वो 55% से कम नहीं होने वाला, ठीक है, तो बांग्लादेश ज्वाइन हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरात्स यूएई ज्वाइन हुआ था, यूरोगे ज्वाइन किया था, देन इन दिसंबर 2020 इजिप्ट ऑल्सो बिकेम इट्स मेंबर, ठीक है, सो बी यू करके याद रखना, BEUU, तो बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई एंड यूरोगुए, ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, हाँ, इंटरनेशनल कन्वेंशन को अगर लॉ बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 89, क्या मार्क किया? ये तो फ्लैट ही एनडी होगा, हाँ राइट,
तो आंसर इसका सिंपल ही था, दिल्ली था, कि बिल पास बाय सिंपल मेजोरिटी, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। रेटिफिकेशन ये होता है, साइनिंग इज डिफरेंट थिंग, एंड रेटिफिकेशन मतलब आपने उसको कॉमन जो लेजिस्लेचर है, नेशनल लेजिस्लेचर है, उसका पार्ट बना लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सो कोर इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन था क्या मार्क किया? इसमें किया है बी फॉर बॉम्बे, हेल्थ केयर नहीं आएगा, सर्विस हो जाएगा हेल्थ केयर नहीं आएगा? नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, ये बी होगा, ऑयल वाला नहीं आया, हाँ करेक्ट। सॉरी। तो कोर, हाँ कोर इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल। ठीक है, तो उन दोनों को माइनस कर देता तो कोर इन्फ्लेशन निकल आता है। एंड जब फूड और फ्यूल की बात करें तो उस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं? हेडलाइन बोलते करेक्ट, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो। तो उस सेंस में सिंपल था, खाने का सामान सर्विस में थर्ड था, थर्ड को एलिमिनेट करते ही भी आंसर आ रहा था। बाकी तो फिर ये भी बच रहा था, लेकिन ये में पता ही है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो स्पेसिफिकली उन दो कंपोनेंट्स का पार्ट नहीं है, फूड और फ्यूल का। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 आर्टिकल 20 के बारे में था क्या मार्क किया? इधर किया है ए। हाँ करेक्ट है, सिंपल ही था कि ब्लड स्पेसिमेन देना है तो वो तो एक कॉन्क्रीट एविडेंस होता है, तो वो देना पड़ता है। ठीक है, तो वो ए होना चाहिए इसका आंसर, वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग में नहीं आएगा, मतलब जो प्रोटेक्शन मिलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वो नहीं होगा। नेक्स्ट फ्लेवोनॉइड्स के बारे में था क्या मार्क किया? बॉम्बे, बॉम्बे। बॉम्बे करेक्ट है। तो ये ओनली नहीं है, पहले ओनली होता था, लेकिन अब ये आर्टिफिशियली भी निकाला जा रहा है। ठीक है, तो बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, एंड दे हैव हाई एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज में इनका अच्छा इस्तेमाल होता है, लाइक चिकनगुनिया हो गया, इन सब में इनका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यही था 92 में। होता नेक्स्ट क्या चलते हैं है, 93। क्या होता है एक इसमें? केमिकल होता है जो कि प्लांट्स में नेचुरली अवेलेबल था, जो कि हेल्प कर रहा था इन्फ्लेमेशन में, मतलब जब बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो वहां पे ये हेल्प कर सकता है अगर इसको लगाएं तो हम लोग। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली निकलता था पहले, लेकिन अब उसके लिए आर्टिफिशियली इन्होंने CSIR ने एक कंपाउंड बना लिया, आर्टिफिशियली बना लिया इसको। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स। नेक्स्ट ये बीमारियों के बारे में था और एसोसिएटेड पैथोजेंस के बारे में था, तो क्या मार्क किया? हाँ, तो थोड़ा सा इसने ना अच्छे से डिजीज वगैरह पूछ लिया। न्यूरोसिस्टिरियोसिस, ये आवाज मुझे नहीं आ रहा है नहीं। नहीं मुझे भी नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा आपको तो। में नहीं दिख रहा है, अरे चलो अपना अपना पेपर है ना सबके पास, ये 93 हो गया ना इसका, होगा ए। ठीक है, 94 में बताओ, नॉन टैरिफ वाले में क्या होगा? सी चेन्नई। करेक्ट है, क्योंकि बाकी तो वही वाले है ना, थोड़ा टैरिफ वाले आ जाएंगे, ड्यूटी बाकी में वाला ड्यूटी और वो टैरिफ, तो वो तो आएंगे ही, वो तो टैरिफ हो था। गया हाँ, ना। वो काउंटर वेलिंग हो जाएगा उधर। ठीक है, ये तो फ्लैट ही था। उसके बाद 95 है, इसमें क्या गया? दिल्ली। हाँ दिल्ली। ए मार्क किया क्या? एक इंडिया क्या है आंसर? आंसर दिल्ली है, सही है।
लीड पेंट में होता है पता है, ये तो मरकरी रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम कैडमियम हाँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक लिए वगैरह में। कंफ्यूजन हो रहा था कि ये होता है या नहीं, फिर सोचा कि हो सकता है। और ये मैं बेंजीन भी होता है, ये तो तब, आपको दे। हाँ, टोबैको पे डाउट हो रहा था। अच्छा बट आंसर टाइम डी पहले भी था। सर्जन ने ये बताया था बेंजीन काले के टोबैको में, मतलब ये लगता है कि बेंजीन नहीं होगा लेकिन टोबैको में होता है। ओके ठीक है, बेंजीन तंबाकू में होता है ना, कैडमियम इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, मरकरी रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम और लीड पेंट में। ठीक है 96 पे आओ। किया है ये किसी ने? किया था, डी किया था मैंने, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, बिकॉज मुझे मतलब इतना पता था ये ओपन रॉक म्यूजियम एक तो हैदराबाद में है, और दूसरा ये पता था फर्स्ट वाला नेशनल मैरिटाइम, ये हम सबको पता है लोथल वाला है। ये रॉक म्यूजियम, उसे म्यूजियम कहेंगे या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन रॉक गार्डन एक है चंडीगढ़ का बहुत फेमस, तो मुझे अच्छा वो लगा हाँ था बिल्कुल बिल्कुल फिर वन वन एंड ये टू इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन। एंड लेकिन विकी में ये लिखा रहा है कि आजादी के दीवाने, दिस इज देयर इन रेड फोर्ट इट सीम्स, मतलब इसमें तो दिखा रेड नहीं। फोर्ट इज इन दिल्ली नॉट इन आगरा। ओके रेड, ओ ये हमने देखा। ओके गॉड व्हाई डू दे डू दिस टू अस। ठीक है मैं तो थर्ड ऑप्शन मुझे पता था, मैं विजिट करा था मैंने तो इसलिए। हाँ अच्छा, ये सही तो है बहुत ये। ही सिली मिस्टेक है। अभी देख रहे हो? हाँ मुझे भी अभी दिखा। मैंने भी ठीक अभी देखा। चलो हाँ तो ये देख लो सर ने नहीं। तो ये फर्स्ट रॉक म्यूजियम दिखा रहा है हैदराबाद में यार, ये चंडीगढ़ वगैरह नहीं है वो। ठीक है तो वही है बस, उधर और उधर दिल्ली होगा वो रेड फोर्ट वाला। ठीक है। हाँ तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या मत किया? इधर ये तो यार हम सेम डी किया किया अभी। हाँ तो इसमें वाइल्ड एनिमल से कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वॉर वगैरह हो जाता है या और कोई नेचुरल मतलब इसके अलावा कुछ हो जाता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। बाकी जैसे स्टॉर्म वगैरह वैसा कुछ आ जाता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, और एक एरिया अप्रोच लेते हैं तो अगर एक एक पूरे एरिया में एक सर्टेन कंडीशन की वजह से कुछ चीज खराब हुई है तो फिर सबको मिलेगा, ऐसे इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता इसमें। ठीक है, कैप रखा हुआ है तो सेंटर का कैप 30% है इरिगेटेड अन इरिगेटेड के लिए और 25% है इरिगेटेड एरियाज के लिए, तो ये याद रखना। एंड ऑल लोनी फार्मर्स हैव टू मैंडेटरीली टेक इंश्योरेंस, तो ये पहले चीज पहले कंपलसरी था बट अभी ये हटा दिया गया है। तो थर्ड इलिमिनेट कर सकते हो आप यहाँ से एंड फर्स्ट इलिमिनेट कर सकते हो। तो आंसर केवल बी होना था 97 का। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। सो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को अरेंज करना था इन देयर शेयर, तो क्या मार्क किया? हाँ इधर होगा सी। सी 1432 करेक्ट है। तो ये ऑर्डर देख लो, वैसे तो ऑर्डर यही था, देखना क्या है इसमें। तो शेयर ठीक है, तो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल हमारे टॉप को इम्पोर्ट कमोडिटीज हैं, फिर गोल्ड आता है और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है, तो ये हम इम्पोर्ट करते हैं। एंड फोर्थ पे पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट की बात करें हम लोग तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन करते हैं, फिर आयरन एंड स्टील करते हैं। ठीक है, और फिर ड्रग फॉर्मुलेशन है 4.7% ऑफ द शेयर। ठीक है, और कंट्रीज की बात करें एक्सपोर्ट में तो सबसे ज्यादा यूएस, फिर यूएई और फिर चाइना है एक्सपोर्ट के और टॉप एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हमारे। इम्पोर्ट हमने देख लिया क्रूड ऑयल, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन, एंड इम्पोर्ट करते हैं चाइना, यूएई, यूएसए। ठीक है, तो ये टॉप तीन कंट्रीज है जिनसे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99।
तो इनमें से कौन कौन सी डिजीज इंडिया ने इलिमिनेट कर दी है, तो क्या वहां किया? बॉम्बे मैंने किया, दिल्ली पहले वाला भी कर दिया है क्या? हाँ तो मुझे ये लगा ये आजकल में हम नहीं सुन रहे तो किया ही होगा एलिमिनेट, इसलिए वन भी मार्क कर दी। हाँ तो देखो कालाजार तो हम लोग सुनते हैं, तो कालाजार इलिमिनेट कर सकते थे, देन यू वुड हैव लेफ्ट विद बी एंड डी, ठीक है, एंड रिंडरपेस्ट आई थिंक रेयरली शायद किसी ने सुना होगा, तो उस लॉजिक से प्रॉब्ली यहाँ पे बी को मार्क कर सकते थे, ठीक है, अगर नहीं पता होता। बाकी ये रिंडरपेस्ट जो है ये एक्चुअली एक लाइफ स्टॉक डिजीज थी, ये हम लोगों ने इलिमिनेट कर दी है, ठीक है। इसके अलावा पोलियो हैज बीन इलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, यॉज हैज बीन इलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया, एंड मैटरनल एंड न्यूनेटल टिटनेस हैज ऑल्सो बीन इलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ तो रिंडरपेस्ट जो था वो एक लाइफ स्टॉक डिजीज था तो वो इलिमिनेट हो गया। टिटनेस जो था ये आई थिंक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, ये इलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने। देन इरिडिकेटिंग यॉज, ठीक है, तो यॉज एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जो स्किन्स बोन्स और जॉइंट्स पे अफेक्ट करता था, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। पोलियो ये सबको पता है, ये इलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस है इलिमिनेशन और इराडिकेशन में, ठीक है। इराडिकेशन में डिजीज परमानेंट और ग्लोबल लेवल पे वो खत्म हो गया, और इलिमिनेशन का मतलब एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब अब वो वहां पे नहीं हो रहा। जैसे पोलियो का अगर हम बोलेंगे तो पोलियो को इलिमिनेट कर दिया इंडिया से, लेकिन पोलियो अभी भी है अफगानिस्तान एंड कुछ एक एरियाज में, ठीक है, पाकिस्तान में शायद, तो वहां पर अभी भी है, वो सेंस में याद रखना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं 100 क्वेश्चन सिनगैस के ऊपर, क्या मार्क किया? करेक्ट, ए आंसर था, दे डू नॉट कंटेन एनी ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ये गलत है, हमने देखा था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ये वाले गैस के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ठीक है, हाँ मेजरली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलते हैं, प्लस ट्रेस अमाउंट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है। सो ये इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। इसके अलावा सिनगैस इज अ वैल्यूएबल फ्लेमेबल गैस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें जानना, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, हाँ तो ये ओवर हो गया आज का फोरम का डिस्कशन, ठीक है, 103 आवर्स हो गया है, तो चलिए 10 मिनट पहले कर रहा है।